ये है इसका इंटरफेस पूरा, ठीक है, मैट्रिक्स का इंटरफेस है। और इसमें ये ऊपर टूल बार वगैरह बनी हुई है इसकी, ये लुकिंग डाउन है, प्रोस्पेक्टिव है, थ्रू फिंगर है, और ये साइड व्यू है इसका। अब होगा क्या, अब हमने यहाँ पे ये देखो, ये है इसकी सारी बार बनी हुई है, कर्व मेन्यू, सरफेस मेन्यू, सॉलिड मेन्यू, ट्रांसफर मेन्यू, सब डी, आर्ट, बिल्डर, टूल, चेन, सेटिंग, कटर, रेंट, ठीक है, ये सारी इसकी चीज़ें हैं। इसमें स्टूल ले लिया वहाँ ठीक है से। ठीक है। अब ये हमने सबसे पहले हमारा जो काम होगा, हमने क्या करना है इस वाली विंडो में, सबसे पहले हमारा काम ही लुकिंग डाउन की विंडो में सबसे पहले, और किसी में नहीं है। सम टाइम काम होता है हमारा कि थ्रू फिंगर में हमने काम करना है, थ्रू फिंगर और ये लुकिंग डाउन, ये हमारी मेन होती है, ठीक है, इसके अंदर ही हमने काम करना होता है। अब आप इस पर अगर डबल क्लिक करोगे ना तो चारों विंडो खुल जाए, फिर इस पर किसी भी जाके डबल क्लिक करोगे तो वही विंडो खुल जाएगी। अगर आप कहते हैं मैंने डबल क्लिक नहीं करना, तो आप यहाँ ऊपर लिखा हुआ साइड व्यू, लुकिंग डाउन, प्रोस्पेक्टिव, आप इनमें से किसी पर क्लिक कर लो, ये देखो ये उसी विंडो में वापस आपको लेके चला जाएगा, ठीक है। तो मैं लुकिंग डाउन में सबसे पहले जाता हूँ, और यहाँ मैंने सबसे पहले पिक्चर इंपोर्ट करनी है। क्या करनी है, पिक्चर इंपोर्ट, पिक्चर इंपोर्ट करनी है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये देखिए ये लिखा व्यू, व्यू पे क्लिक किया, यहाँ पे ये पिक्चर फ्रेम, ठीक है, ये पिक्चर फ्रेम हमारा नजर आ रहा है, जी जी यार, इस पर क्लिक करना। यहाँ पे क्लिक जैसे ही करूँगा मुझे कंप्यूटर में ले जाएगा, वो पूछ रहा है आपकी पिक्चर्स कहाँ पड़ी हुई है। अब पिक्चर मैंने रखी थी डेस्कटॉप के ऊपर, यहाँ पे क्लिक किया और ये वाली पिक्चर, और इसको एंटर कर। अब ये पॉइंट देख रहे हैं, ये पॉइंट घूम रहा है। जी। अब वो पूछ रहा है आपने पॉइंट पहला रखना कहाँ है, हमने हमेशा पहला पॉइंट सेंटर में ही रखना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको दबाएंगे F4, जब आप F4 दबाओगे ना तो एग्जैक्ट वहाँ पे सेंटर से सेंटर पकड़ लेगा। जैसे मैंने F4 दबाया उसने देखा F4 से पकड़ लिया। अब ये पिक्चर हमारी ऐसे घूम रही है, ठीक है, क्योंकि मैंने शिफ्ट नहीं दबाया हुआ। जैसे ही मैं शिफ्ट दबाऊंगा पिक्चर सीधी हो जाएगी, चाहे मैं उसको इधर मूव करूँ, इधर करूँ, ऐसे करूँ, यहाँ पिक्चर करूँ, सीधी रहेगी, पिक्चर पिक्चर सीधी रहेगी, सही। जो ही छोड़ूंगा टेढ़ी हो जाएगी। पिक्चर को सीधा किया मैंने अपने हिसाब से, जितनी बड़ी करनी है कर ली, ये पिक्चर मेरे पास आ गई है, ठीक है, आ गई। अब मैंने क्या करना है, मुझे सिर्फ इतना हिस्सा चाहिए, बाकी मुझे ज़रूरत नहीं है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ से कर्व में गया दोबारा, ये देखिए रेक्टेंगल ले लिया, क्या रेक्टेंगल, ये इसको सेलेक्ट किया है। अब पूछ रहा है आपने कितना हिस्सा जो है आपने इसको ट्रिम करना है। मैंने यहाँ पहला लेयर चेंज, अब देखो ये यूज़र लिखा हुआ है, जब यूज़र पे क्लिक करूंगा तो मैं इस लेयर के अंदर आ जाऊंगा, ब्लू हो गई, ठीक है। यूजर पे ग्रीन पे क्लिक किया, ग्रीन लेयर हो गई, रेड पे क्लिक किया, रेड हो गई, ब्लू पे किया, ब्लू हो गई। लेकिन जब मैं यहाँ पे आऊंगा ना, इस जगह पे क्लिक करूंगा या इस जगह पे क्लिक करूंगा तो ये लेयर बंद हो जाएगी जिसपे अभी आप काम कर रहे हो। ताले पे क्लिक करूंगा तो लॉक हो जाएगी, फिर वो सिलेक्ट नहीं हो सकती आप, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना। राइट क्लिक, अब दोबारा जब मैं राइट क्लिक करूंगा उसी कमांड में चला जाऊंगा जिसके अंदर मैं पहले मौजूद था, ठीक है। अब हमने यहाँ पहला पॉइंट रखा और इसको ऐसे इतना इसको मैंने लेयर चेंज करता हूँ ताकि नज़र आ जाए, ये भी नज़र नहीं आ रही, ये आई, ये देखिए, ठीक है, ये इतना यहाँ तक, ये आ गया हमारा ऐसा, ओके हो गया। इसको हमने पकड़ा, पहले पिक्चर को सिलेक्ट करना, ठीक है, पिक्चर सिलेक्ट की, उसके बाद ये देखिए ये स्प्लिट की कमांड, इस पर क्लिक करना है। अब वो हमसे पूछ रहा है सिलेक्ट कटिंग ऑब्जेक्ट, आपका ऑब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट हमारा ये है रेक्टेंगल जिसके जरिए हमने इसको काटना है। अब हम रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे, अब वो कह रहा है प्रेस एंटर व्हेन डन, अब राइट क्लिक कर लेंगे, अब ये करेंगे, ठीक है। अब ये दो हिस्से हो गए, एक दो, ये देखो हो गए, ये अलहदा हो गया, वो अलहदा हो गया। अब मैंने इसको क्या करना है, इसको सेलेक्ट किया, ना समझ आया वहीं रोक के पूछ लेना दोबारा से, ठीक है। इसको मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसको डिलीट कर दिया, अब मुझे सिर्फ इतना चीज चाहिए। अब मैंने क्या करना है, ट्रांसफॉर्म में जाना है, ये स्केल 3D, ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म में गए, ट्रांसफॉर्म स्केल 3D की कमांड है, इस पर क्लिक किया और इसको मैंने फिलहाल बंद कर दिया। अब वो यहाँ कहीं भी पॉइंट रख लो, आपकी मर्जी, कहीं भी रख लो पॉइंट, आपकी मर्जी। यहाँ पॉइंट रखा और शिफ्ट दबा के ऐसे, और लेफ्ट क्लिक दबाया अब और तस्वीर छोटी कर दी, ठीक है, शिफ्ट छोड़ूंगा तो देखो हिल रहा है, ठीक है, शिफ्ट दबा के तस्वीर छोटी बड़ी करनी हमने ऐसे, ये हो, ये मैंने कीबोर्ड से भी सारी चीज़ें। कीबोर्ड से करो एग्जैक्ट साइज नहीं आएगा और डिस्टर्ब कर देगा, इसलिए हमने इसको एक एक साइज कर लिया। इसको मैं तस्वीर को सेंटर में रखना नहीं है, मैं जस्ट इसको आईडिया के तौर पे तस्वीर छोटी कर रहा हूँ, ठीक है, ये इधर आ गई। अब ये जो बार बनी हुई है ना, ये वाली MSR वाली, आप इसको पकड़ के, ये तो रेड क्लिक, जो रेड रंग का निशान है, शिफ्ट दबा के इस रेड के निशान को दबाओगे तो ये भी स्केल 3D की कमांड का काम करेगा, ठीक है, इसको ये देखिए ये मैंने यहाँ छोड़ दिया। अब मैं अगर शिफ्ट छोड़ के इसको दबाऊंगा तो स्केल 1D की कमांड ऐसे काम करेगी, ऐसे काम करेगी, ये खराब हो जाएगी, कंट्रोल जी, ये कंट्रोल जी पकड़ा और शिफ्ट दबा के इसको पकड़ दिया, ठीक है। अब हमारा असल काम शुरू होना है, अब हमने इस पिक्चर को सेलेक्ट करना है
और यहाँ वाइट कलर देखे, ये प्ले का जब निशान करेंगे प्ले पे क्लिक करेंगे तो इसको वो कलर आ जाएगा, और यहाँ से लॉक कर देना। ये देखो अभी सिलेक्ट नहीं होगी, ये देखो सिलेक्ट नहीं हो रही ना, ये लॉक हो गई। अब मैंने क्या करना है, मैंने सबसे पहले ये जो चीज़ है ना ये वाली, अब मैंने ये चीज़ बनाई, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इस चीज़ के लिए सबसे पहले मैंने ये जो बीच में ओवल बना हुआ है ना, मैंने इसको लेना है। ये कैसे करना है, हमने ये मैंने यहाँ जाना जेम्स में, ये है जेम लोडर, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ इसको नीचे आना है, ये राइट क्लिक करके राइट दबा के, राइट दबा के विंडो में ऊपर नीचे कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी ये बार यहाँ छोटी है स्क्रीन, इस वजह से। ये है ओवल शेप, ये सारे स्टोन्स की यहाँ पर शेप मौजूद है, ये है ओवल शेप, इस पर क्लिक किया। अब जो भी आपको साइज रिक्वायर्ड है ना आप रख लो, ठीक है। जैसे कि मैं ये रखता हूँ 8x6, ठीक है, 8x6 का वैसा मैंने लिया। यहाँ से इस पर क्रॉस पे क्लिक किया और ये आ गया। अब ये प्लास्टिक व्यू में मैं काम नहीं कर रहा जो तुम गलती कर रहे थे, ठीक है। ये देखो ये है प्लास्टिक व्यू, ये हो गया जी। ये देखो ये मशीन व्यू, मशीन व्यू में सिर्फ आपको पीस नजर आएगा, उसके जो कर्व वगैरह है वो नज़र नहीं आएंगे। ये है प्लास्टिक व्यू, प्लास्टिक व्यू में आपको तमाम कर्व वगैरह सब नज़र आएंगे। ये है वायर फ्रेम, जब मैं इसको बंद कर दूंगा दोबारा से शेप में आ जाऊंगा। आ गया, इसको यहाँ से ऑन किया तो ये हमारा प्लास्टिक व्यू, यहाँ पे क्लिक किया देखो लिखा हुआ प्लास्टिक, यहाँ पे आया तो लिखा हुआ मशीन व्यू, यहाँ पे देखो छोटा सा डॉट बना हुआ, यहाँ पे क्लिक करोगे सारी बार आ जाएगी, जो सी आपने सेलेक्ट करनी हो कर लो, लेकिन इनकी ज़रूरत हमें नहीं है, मैं जस्ट प्लास्टिक में ही काम करना है। अब मैंने इसको सेलेक्ट करना है और F6 दबाना है, F6 दबाएंगे जेम प्रोफाइल, ठीक है। यहाँ से ये आएगा, यहाँ से ये है, ये शॉर्टकट है, असल कमान ये रही जेम्स में जेम प्रोफाइल, यहाँ पे है, ये कमान यूज़ कर लो या ये कर लो, एक ही है ये, ठीक है। उसने बाहर का बॉर्डर ऑटोमेटिक उसका ले लिया। अब हमने क्या करना है, स्टोन का कलर होता है ये वाला, इसको बंद किया, अब हमने इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब इसको हमने अंदर की तरफ मोटाई करनी है कि गेज हमने कितना मोटा करना है, इसके अंदर ये स्टोन आ जाए हमारा, ठीक है। हम नगीने के हिसाब से हमने इसके अंदर ऑफसेट करना है, ये नहीं कि नगीना हमारा छोटा है तो हम बहुत ज़्यादा ऑफसेट कर दें या बहुत कम कर दें, इतना भी नहीं करना। ये देखो ये कितना मोटा हो गया, अब जितना मैंने मोटा गेज किया उतनी ही मोटी यहाँ थिकनेस आएगी और वो उतना ही वजन ले जाएगा, हमने इतना नहीं करना। नगीना के हिसाब से 0.5, 0.6, ये देखो 0.5 रखें, 0.6 रखें, 0.45 रखें, ये पॉइंट्स याद करने हैं आपके पास। ये 0.5 मैंने रखा, ये इनाफ है, इसको सेलेक्ट किया और उसके बाद सरफेस जी ये 0.5 का कहाँ से लाए हैं, ये देखो ये सेलेक्ट किया, ये कर्व, ये कर्व में जाके ऑफसाइड कर्व, ठीक है। अब पूछा आपने डिस्टेंस कितना रखना है अंदर, अब यहाँ मैं 0.6 रखूंगा और एंटर करूंगा तो 0.6 होगा, 0.45 एंटर करूंगा 0.45 मैंने कर दिया, ठीक है। मतलब खुद इंटर करना, एंटर खुद करना है, वो पूछेगा। वैसे वहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू जो है 1 mm ही आएगी, ठीक है, 1 mm आ सकती है, वो जितनी उसकी दे दे वो। इसको सेलेक्ट करने के बाद हमने जाना है यहाँ सरफेस में, ठीक है, ये है पैच, ठीक है, इसको क्लिक करना है और ये पूछ रहा है हाँ जी आपने ओके करना है, हमने इसको ओके करना है, तो उसने सारा हिसाब पैच कर दिया। यहाँ से इसको सेलेक्ट करने के, ये सेलेक्ट ही रहना चाहिए, अगर सेलेक्ट नहीं होगा तो ये कटेगा नहीं। देखो ये ट्रिम और यहाँ सेंटर से मैंने काट कट गया। अब अगर मैं तो क्या करता हूँ, कंट्रोल जी करता हूँ, अब इसमें से कोई भी चीज़ सेलेक्ट नहीं है, अब मैं जस्ट सरफेस को सिलेक्ट करता हूँ और मैं कहता हूँ मैंने काट रहा है तो ये कटेगा, क्योंकि जब तक ये बाहर का कर्व ही नहीं सिलेक्ट होगा मेरा तो ये कटेगा कैसे, क्योंकि हमने बेसिकली इस कर्व के जरिए इसको अंदर से काटना है। तो मैंने कैंची पकड़ी और ये काट दिया, अब बाहर की बाउंड्री मेरे पास आ गई। अब इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया और ये कंट्रोल दबा के, कंट्रोल दबा के इस पर क्लिक किया तो ये अनसेलेक्ट हो गया और जो कर्व है वो सिलेक्ट हो गया। अब इन कर्वों को मैंने अलहदा से कलर दे दिया, एक ये वाला बंद हो गया, इसको सेलेक्ट किया, इसको ये वाला कलर दे दिया ताकि नज़र आए मुझे। उसके बाद प्रोस्पेक्टिव में गए, अब इसकी हाइट करनी है, ठीक है, क्या करना है, हाइट बढ़ानी है हमने। अब हमने हाइट कितनी करनी है वो भी हमने अपने हिसाब से ज़्यादा नहीं करनी, नॉर्मल 1 mm, 0.8, 0.75, 0.65 इतनी रखनी, ज़्यादा नहीं रखनी। ये है शॉर्टकट इसका, ऑफसाइड सरफेस, ठीक है, ये देखो ये आ रहा है, एरो नीचे की तरफ है, आप फ्लिप करो एरो ऊपर जाएगा, फ्लिप करो एरो नीचे आएगा। पूछा कितनी थिकनेस रखनी है, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ कितनी रखनी बताओ, और असल कमान यहाँ पे है, ये देखो ऑफसाइड सरफेस, ये शॉर्टकट है इसका, असल यहाँ पे है ऑफसाइड सरफेस, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करूँगा नीचे जाएगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा ऊपर हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसकी हमने डिस्टेंस रखना है 1 mm का, ये मैंने 1 mm रख लिया, ठीक है, ताकि बीच का स्टोन है अच्छा नजर आए उभरा हुआ। एक क्लिक के एंटर, एक लिखा और उसने एंटर मार दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद अब मैंने इसका जो सिलेंडर, इसका जो जंग है हमारा, ये मैंने बनाया, ठीक है। इसके लिए मैंने क्या करना है, यहाँ से ये देख इसको लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ एक कर्व बनाते हैं, क्योंकि बेसिक ये देखें यहाँ से नीचे से मोटा है ऊपर से पतला था, ठीक है।
अब हम इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे ठीक है, और यहाँ सॉलिड में जाते हैं और ये सिलेंडर लेते हैं ठीक है, सिलेंडर इसको बोलते हैं सिलेंडर, इस पर सॉलिड में जा रहे हैं, हाँ सॉलिड में गए और ये सिलेंडर, और यहाँ से खोल दिया एंड पॉइंट मिड पॉइंट क्वाड पॉइंट स्लैब ठीक है। वैसे पकड़ना उसने एंड पॉइंट से हमें जरूरत नहीं, वैसे समझाने के लिए मैंने आपको ये खोल दिया। अब ये देखें जैसे मैं क्रीम लेके जाऊँगा पकड़ लेगा, पकड़ लिया उसने एंड क्वाड पकड़ लिया। अब ये देखें, अब ये सर्कल वो कह रहा है कितना मोटा जंग बनाना है आपने, अब ये बताओ। अब यहाँ पे लिखा हुआ है रेडियस, जब मैं रेडियस पे क्लिक करूंगा ना तो ये देखो बीच में सर्कल की एक लाइन आ रही थी वो चली गई। अब आप इसका रेडियस में जब भी काम करोगे ना उसका हाफ वैल्यू लिखोगे तो फुल आएगी, जब आप डायमीटर में काम करोगे तो जो वैल्यू लिखोगे वही है, ये जरा एक माइंड में मतलब हाफ लिखेंगे तो फुल आएगी। हाँ लेकिन उस वक्त जब आप रेडियस में काम करोगे, अब यहाँ रेडियस लिखा हुआ है ना, मैं जैसे रेडियस में क्लिक करूंगा मैं रेडियस में चला जाऊंगा, अब लाइन खत्म हो गई बीच में सर्कल के बीच में से लाइन खत्म हो गई, इसका मतलब हाफ लिखूंगा तो फुल आएगी। देखो 0.35 उसका टोटल कितना हो जाएगा, डायमीटर में जाके देखो 0.7 ओके। मैं डायमीटर में काम कर रहा था, अगर जो वैल्यू लिखूं वही आ जाएगा, 0.75 लिख दिया मैंने ठीक है। ये देखो अब वो पूछ रहा है हाइट कितनी करनी है आपने, उसको बंद किया साइड व्यू में गए और इसको प्लास्टिक व्यू किया, और यहाँ से जंग हमने अब हाइट बढ़ा दी, ना कि हाइट इतनी रखनी है ना इतनी रखनी है ना इतनी रखनी, इतनी मुनासिब रखनी कि इसमें नगीना बैठ जाएगा ठीक है। तो मैं इतनी रख देता बस, नगीना बैठ जाएगा। उसके बाद ये है फिल्टर एज, इसको क्लिक किया और इसको ऊपर से सेलेक्ट किया और राइट क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे गया सेट ऑल, सेट ऑल पे क्लिक करने के बाद यहाँ 1 mm लिखा हुआ। अब यहाँ पे हमने जंग कितना बनाया 0.75 का हाफ क्या था 0.35, वो 0.35 से एक पॉइंट नीचे, 0.35 से एक पॉइंट नीचे रखना है, 0.34 रख लो अल्लाह का बोला जरे, 0.33 रख लो, और ये एंटर कर दिया उसने गोल कर। अगर पूरी पूरी वैल्यू रख के आप गोल करोगे नहीं करेगा उसको, वो खराब कर जाएगा ठीक है। एक पॉइंट नीचे करके, एक पॉइंट नीचे रख के आपने करना है, माशाल्लाह पर जेन अच्छा है। अब देखो अभी हमने देखना कि इसकी जो प्रॉन्ग्स हैं ये लगे हुए कहाँ, सेंटर में नहीं लगा हुआ साइड पे लगे हुए ठीक है। हम यहाँ से पकड़ा और इसको इधर ले आते ऐसे ठीक है, इसको कंट्रोल जी करते हैं पहले, और ये है रोटेट की कमान, और F4 दबाया, यहाँ से किया रोटेट कॉपी यस, और शिफ्ट दबाया और इस जंग को इधर ले आया मैं, और अब इसको पकड़ के यहाँ से ऐसे इसके अंदर मर्ज कर, और यहाँ से इसको उठाया मैंने यहाँ लगा ठीक है। उसके बाद अब ये जंग जब मैं इधर करूँगा, ये मिरर, इसको मिरर करना है ये वाली कमान से, ये इधर मिरर कर देगा ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ ये शॉर्टकट है, असल मिरर ये रहा, ये वो कह रहा है पॉइंट कहाँ से पकड़ना है F4, देखो शिफ्ट दबाया उसने मिरर कर, फिर इसको पकड़ा शिफ्ट दबाया F4 मिरर कर, अब इन दोनों को मैंने पकड़ा शिफ्ट दबाया F4 और इधर मिरर कर, ये हमारे 6 जंग लग गए समझ आ गई। इसको मैंने सेलेक्ट किया और ग्रुप किया और एक कलर दे दिया, और इसका स्टोन भी मैं ले आया, स्टोन भी हम इसका यहाँ पे रखते हैं ठीक है। स्टोन कैसे वापस आए, लियर के अंदर बंद था ये लियर बंद थी, ये लियर खोली स्टोन आ गया। अब इसी तरह से ये ग्रीन कलर है ना, मैं ग्रीन को बंद करूँगा स्टोन रहेगा वो चला जाएगा, ये मैंने यहाँ से खोल, उसके बाद इसको यहाँ रखा ऐसे। अब इसको मैंने बेसिकली रेंडरिंग करनी है, इस वजह से मैंने इसको स्टोन को भी अपने साथ रखा हुआ। इसको मैंने पकड़ा कंट्रोल क्यू दबाया, ये ग्रुप हो, कंट्रोल क्यू से ग्रुप हो गया, यहाँ से ग्रुप कर लो, कंट्रोल डब्ल्यू से अनग्रुप हो जाएगा, या यहाँ से अनग्रुप कर लो। बेसिकली कमान यहाँ पे है, यूटिलिटी में जाएंगे ये देखिए ग्रुप ग्रुप यहाँ पे है, कंट्रोल क्यू उसका शॉर्टकट है। अब ये हमारे पास ये देखो ये चीज़ जो है हमारे पास रेडी हो गई। अब हमने यह करना है, अब हमने ये वाला जो पीछे ना हमारा ये वाला, अब हमने इसको बनाना है कि हमारा अब ये चीज़ हमने कैसे बनानी है, ये नगीने वाला पोर्शन अब हमने इसको बनाना है ठीक है। इसको हमने किस तरह से बनाना है अब आपको बताता हूँ। अब हमने यह करना है, कर में जाएंगे इसका डुप्लीकेट एज, ये है डुप्लीकेट एज, इसको लिया और साइड से बाहर से हमने बाउंड्री सेलेक्ट की इसकी, ये वाली जो जो पकड़ेंगे उसको पकड़ लेगा ठीक है। उसके बाद अब हमने ऑफसाइड सरफेस, ऑफसाइड कर्व करना है, और इसकी हमने मोटाई रखनी है 2 mm 2.5 mm जितना भी हमें बाहर का सर्कल चाहिए। 2 mm की मोटाई लेंगे ना ऑफ साइड आप लेंगे तो उसके अंदर 1.8 का दाना आएगा, इसमें 2 mm दिया देखिए आगे चीज़। अब इसके अंदर दाने की जो सेटिंग होगी 1.8 की होगी ठीक है, हम इसलिए उसको थोड़ी सी छोटी करेंगे। अब ये थोड़ा सा नीचे की तरफ है, थोड़ा सा नीचे की तरफ है, तो इसको मैं फिलहाल बंद कर रहा हूँ, इसको भी बंद कर रहा हूँ। इसको लेके मैंने यहाँ पे क्लिक किया ठीक है, वो पूछ रहा है कि आपने ऊपर की तरफ उठाना है इसको, तो वैल्यू लिख दो कितनी भी लिखनी है, मैं 0.6 लिख देता हूँ वो ऊपर आ गया ठीक है। अब आपने देखना कि यहाँ पे ये चीज़ है ना हल्की सी गुलाई में है, लाइट सी देखो नगीने यूं जा रहे हैं, उसके सीधे नहीं आ रहे, नीचे की तरफ जा रहे हैं। अच्छा इसकी जो ये गुलाई की है, हाँ जी ये इसको जेहन में रख के करनी पड़ेगी,
अब आपने इसमें नगीना पूरा ही है। नगीना हमने आइडिया देखना कि यार ये गोलाई जा रही कितनी है। अब हमने ये नहीं देखना कि नगीना इसमें कितना बड़ा लगा, हमें जो चीज़ बताई जाएगी हमने उसके हिसाब से रखना। अब यहाँ पे अगर नगीना 4 mm का लगा हुआ है, अब आप भी यहाँ 4 mm का लगाओ तो अंगूठी इतनी के बजाय इतनी बड़ी बन जाएगी। हमें ग्राहक ने बताना है, कस्टमर ने बताना कि यार इसमें ये चीज़ हमें चाहिए, इतने mm का दाना होना चाहिए, मुझे जो चीज़ बताई गई है मैं उसके मुताबिक चल रहा हूँ। मैं इससे सिर्फ एक आइडिया ले रहा हूँ, एक शेप ले रहा हूँ कि अच्छा ये शेप है, ये आइडिया है, कर मैं अपना वही काम रहा हूँ जो मुझे बताया गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है यहाँ पे, इसको मैं दो तरीके से, इसको मैं थोड़ा सा मजीद और उठा लेता हूँ, 0.6 बहुत ज़्यादा हो गया, 0.2 लिख रहे हैं यहाँ पे, टोटल 0.8 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा उठा ये। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, दो तरीके हैं, इसको पहले पकड़ा और ये सरफेस में गए, पहली विंडो में गए, ये है लॉफ्ट, इस पर क्लिक किया, देखो दोनों एरो सेम, ये एरो सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, अगर दोनों एरो सेम डायरेक्शन में नहीं होंगे पीस सही नहीं बनेगा, ख़राब हो जाएगा। जैसे देखो मैंने इस एरो पे क्लिक करता हूँ, एक एरो इधर आ गया, एक उधर चला गया, राइट क्लिक करूँगा तो देखो हो गई सरफेस खराब, मैं कैंसिल कर देता हूँ, फिर दोबारा राइट क्लिक करता, अब दोनों एरो सेम डायरेक्शन में, मैं राइट क्लिक करता हूँ तो देखो सरफेस बन गई, बन गई। लेकिन देखो ये सरफेस हमारी बनी है ऐसे, बिल्कुल सीधी, ठीक है, मुझे सरफेस चाहिए थोड़ी सी गोलाई में। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, राइट क्लिक और इसको मैं ये वाली कलर में आता हूँ और यहाँ पे आगे काम करता हूँ ताकि मुझे नज़र आ जाए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे कर में जाना है और आर्क डायरेक्शन, ठीक है, आर्क ली, इसको खोला, उसके बाद एक पॉइंट यहाँ रखा, एक पॉइंट इसके सामने रखा, अब चले गए साइड व्यू में यहाँ पर। अब देखो पूछ रहे कितनी गोलाई रखनी है, इतनी इतनी, ये बहुत ज़्यादा रहेगी, हमें इतनी ज़्यादा भी नहीं रखनी, बस नॉर्मल। ठीक है, ये चीज़ हमें रखनी है, ये हो गई। अब हमने क्या करना है, यहाँ से सिर्फ इस कर्व को, इस कर्व को, या फिर इस कर्व को और इस कर्व को, दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट, हम इसको सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद सरफेस में जाते हैं और यह स्वीप वन, इस पर क्लिक करते हैं, बना देते हैं सरफेस। अब पूछ रहा है अभी कि आपने ओके सरफेस, ये सिलेक्ट किया, ये स्वीप वन सरफेस, इस पर क्लिक किया, उसके बाद वो कह रहा है ओके, हम कहते हैं ओके सरफेस हमारी रेडी है। ठीक है, इसको हमने ये वाला कलर दे देते हैं, यहाँ से ये वाला कलर ताकि आंखों में मिरर लगे, ये वाला देते हैं। ठीक है, उसके बाद तमाम को सिलेक्ट किया, कंट्रोल दबा के सरफेस को अनसेलेक्ट किया, ये कर्वे हैं हमारी, इसको मैंने अलहदा से कलर दे देता हूँ, ये वाला, ये मैंने बंद कर। ठीक है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, कर्वे जब भी हो आपने डिलीट नहीं करनी, कोई काम आपने लाइन वर्क जो होगा, जो सा भी होगा, आपने उसको डिलीट नहीं करना। ठीक है, क्या कह रहा हूँ, डिलीट नहीं करना, आप उसको रखना है लाजमी, डिलीट नहीं करना कोई भी काम। इसको हमने हल्का अंदर उतार देता है यहाँ पर ऐसे, अब इसको पकड़ा, यहाँ से ऑफसेट सरफेस कर, जैसे मैंने बताया ना शॉर्टकट कमांड बाहर है, और ये वो पूछा आपने गेज कितना करना है, थिकनेस कितनी करनी है इसकी, मैं कर जो थिकनेस सोने के काम में चलती है। ठीक है, ये वैसे लगना चांदी में है तो इस कितने में मसला नहीं है, सोने के काम में 0.3 0.35 0.4 अब जो चल रही है 0.3 0.35 0.25 चल रही है हल्का गेज, पहले चलता था 0.5 0.45 इतना चलता था, तो मैंने सर 0.5 ले लिया था। ठीक है, ये मैंने 0.5 ले लिया गेज, अब यहाँ 0.5 ले लिया, अब ये देखो ये थोड़ी सी हाइट कम लग रही है। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ से कर्व लेके ये साइड पर कर्व सेलेक्ट किया बाउंड्री और राइट क्लिक कर लिया, उसके बाद सरफेस के अंदर ही ये देखें, ये है एक्सट्रूड सरफेस, एक्सट्रूड ऑल, इस पर क्लिक किया और यहाँ से ये देखें लिखा हुआ स्ट्रेट, स्ट्रेट कर्व, ये देखें। अब पूछा नीचे की तरफ हाइट कितनी बढ़ानी है आपने, मैं लिखता हूँ -0.8 आगे, इससे ये होगा कि थोड़ी सी पीस में खूबसूरती भी आएगी, पीस की हाइट भी बढ़ जाएगी हमारी। अब इस सरफेस को गेज नहीं है, मैंने इसको गेज देना और माइनस में क्यों किया, ताकि नीचे की तरफ आ जाए, माइनस ना करता तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, जो माइनस नहीं होगा वो ऊपर जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। अब देखो इस पे मैंने क्लिक किया, ये अंदर की तरफ, ठीक है, यहाँ से फ्लिप बता रहा हूँ, फिर फ्लिप पे क्लिक करना है बाहर, फ्लिप पे करना है अंदर, इसको मैं गेज कर देता हूँ 0.5। वैसे मैं फिर बता रहा हूँ, आपने इस तरह की जो चक्के वगैरह लगाने हैं उनको 0.4 0.35 वजन के हिसाब से रखना है, कि कहाँ वजन हमने रिड्यूस करना है, कहाँ वजन ऐड करना है, ये चीज़ को मद्देनजर लाजमी रखना है, ऐसे हवा में काम नहीं कर देना कोई। अब इसको सरफेस में ये देखिए आगे, और ये मिड पॉइंट मैं बता दूँ, ये देखिए ये है एक्सट्रैक्ट, ठीक है, आइसो कर्व, इस पर क्लिक किया, सरफेस पे क्लिक किया, पूछा आपने कर्व कहाँ लगाना है, मिड पॉइंट मैंने खोल लिया, बाकी मैंने बंद कर दिया ताकि मिड से पकड़े इसके लिए, ये पकड़ लिया, ठीक है, मिड से पकड़ लिया उसने, और मैंने राइट क्लिक करके कमांड हाँ सरफेस के ऊपर काम कर। ठीक है, उसके बाद मैंने इस कर्व को सिलेक्ट किया और F6 दबाया, और ये देख जेम ऑन कर, इस पर क्लिक किया, ठीक है, जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया ये मेरे स्ट्रॉन्ग आ गया आगे।
अब मैंने क्या करना है, यहाँ से F4 डाउन और उसके बाद ऑब्जेक्ट मेरी सरफेस है, सरफेस पे क्लिक करूँगा, कर दिया। अब पूछ रहा है हाँ जी आपने इन्हें कहाँ लगाने, तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, ये यहाँ पे सिलेक्ट साइज का इसका नहीं लूंगा, साइज का था 1.75 एक पिक्सल था, ठीक है 1.75। उसके बाद ये है स्टार्ट पोजीशन, इसको मैंने एंड कर दिया, यहाँ से ये है एंड पोजीशन, इसको मैंने 100 कर दिया, आगे सारे डाले। अब ये है स्पेसिंग, ये है स्पेसिंग, ये है स्टार्ट, स्टार्ट साइज स्पेसिंग, इसकी स्पेसिंग मैंने कम कर, इतनी काफ़ी है, ठीक है। उसके बाद मैंने जस्ट राइट, बाकी सबकी खुद ही हो जाएगी ऑटोमेटिक हो जाएगी, राइट क्लिक कर, इतनी भी स्पेसिंग कम नहीं करनी कि नगीना आपस में टकरा जाए, इतनी भी नहीं करनी है, स्पेसिंग कहाँ से ये रहे वहाँ पर ना वही लगाने लगा, तो कर लिया मैंने, ठीक है। और इसको मैंने इस बार में डाल दिया, दोबारा आ गए नगीने इसी शेप में आएंगे, हमने पहले F4 करना है, फिर डाउन करना है और सरफेस जो ऑब्जेक्ट जो भी ऑब्जेक्ट होगा उस पर क्लिक करना है। अब ये देखो ये है स्टार्ट पोजीशन, इसको मैंने सिफर कर दिया, ये है एंड पोजीशन, इसको 100 कर दिया, यहाँ से वैल्यू में और कम कर देता 1.7, ठीक है। ये देखो ये स्पेसिंग यहाँ से कर लो या यहाँ से कर लो एक चीज, ठीक है। उसके बाद ये ऐसे कर लो, ये देखो इतने कर लो, वो आपकी मर्जी है। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से इसको हल्की स्पेसिंग कम करेंगे ताकि ये आमने सामने नगीने आ जाए, देखो आ गए। उसके बाद मैंने किया राइट क्लिक, बाहर आ गया। अब ये नगीने पकड़े स्टोन्स और यहाँ पे जाएंगे कटर्स में, ठीक है ये कटर्स। इसके बाद ये है जेम कटर, इस पर हमने क्लिक करने के बाद जेम कटर में इन तमाम स्टोन्स को इसमें डाल देंगे, डाल दिया कटर्स आ गए मेरे पास। अब देखो पीछे से कटर हमारे छोटे आएंगे, थोड़ा सा आपने क्या करना है इस वाली साइड से जाके यहाँ पे ये देख ये लिखे लॉयर सेट साइज और ये वाला जो हमारा लॉयर टेम्पर, इसको नहीं छेड़ना, इसको करना है ताकि पीछे से कटर हमारे ऐसे बड़े लग जाए, ताकि पीछे से भी स्टोन हमारा बड़ा लगे, ठीक है। मैंने इसको बड़ा हल्का, ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना कि बहुत बड़ा कर दो, कुछ नहीं हल्का ना करना, राइट क्लिक, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सरफेस सेलेक्ट करनी, इसको मैंने क्रॉस किया और राइट क्लिक दबा के इसको नीचे लाया। अब यहाँ से जाएंगे सॉलिड में, सॉलिड ये है बुलियन, डिफरेंस बुलियन, ठीक है बुलियन की कमान है, इसके शॉर्टकट की है कंट्रोल बी, इस पर मैंने क्लिक किया। अब वही दोबारा मुझसे पूछा सेलेक्ट सरफेस और पॉली सरफेस, ये कटर मेरे सेलेक्ट सरफेस हैं, ठीक है इन सरफेस कटर को मैंने क्लिक करना है, उसके बाद राइट क्लिक करना है, जैसे ही राइट क्लिक करूँगा कटर लग गया। अब नगीने में आपको डिलीट करके दिखा देता हूँ, ओके ओके हो गया, कंट्रोल जी कर दिया। अब मैंने क्या करना है, स्टोन सेलेक्ट किए, सेटिंग में जाना है, ठीक है। ये इसके अंदर तो मैनुअल भी लग सकते हैं, लेकिन मुझे टाइम बचाने के लिए मैं मैनुअल नहीं लगा रहा, बस एक साथ ही लगा देता हूँ, दोनों कमांड आपको बता दूंगा। आज ये वाली देख लो, ये देखिए ये है प्रॉन्ग एडर, कहाँ जाकर सेटिंग में, सेटिंग में गए, ये प्रॉन्ग एडर, प्रॉन्ग एडर पे क्लिक किया और ये स्टोन्स को इसमें डाल दिया, ठीक है ये देखो सारे स्टोन, ये प्रॉन्ग आ गए मेरे पास। अब वो पूछ रहा है आपने प्रॉन्ग्स की जो मोटाई वगैरह वो कितनी रखनी, ठीक है जितनी भी आपने मोटाई वगैरह रखनी वो आप देख लेना, मैंने 0.5 0.55 कर देते हैं यहाँ पे ना, 0.55 फिर दोनों विंडो में सेम वैल्यू लिखनी 0.55 0.55। यहाँ पर पूछ रहा है हाइट कितनी रखनी है, हाइट हमने ज़्यादा नहीं रखनी, हमने 0.75 या 0.7, यहाँ से हाइट 0.7 दोनों में सेम, यहाँ ड्रॉप 0.15 या 0.1 रखना हमने, और न्यूड सिफर कर दो, यानी कि नगीनों को और जंगों के दरमियान फासला करना है, जंगों को नगीनों से दूर करना है, ये मैंने सिफर कर दिया। उसके बाद राइट क्लिक कर, लग गए सारे स्टोन मेरे पास, हो गए। अब ये देखो ये अब ये देखो ये जो है ना इस शेप के ऊपर जो सरफेस ऐसी बनी होती है ना घाट में, उसके अंदर प्रॉन्ग पूरे अंदर ऐड नहीं होते, कहीं से रह जाते हैं कहीं से हो जाते हैं, तो हम क्या करेंगे इसको डिलीट करेंगे, दोबारा स्टोन सेलेक्ट करके इसमें डाल देंगे, ठीक है हमने डाल दिए। अब स्टोन सारे आ गए, वैल्यू हमने वैल्यू लिखी थी सारी ऑलरेडी सेलेक्ट है, जस्ट हमने इसका जो ड्रॉप है ना उसको ज़्यादा कर देते हैं यहाँ तक ले जाना, ताकि ये पूरा इसके अंदर उतर, और बस मैंने राइट क्लिक किया प्रॉन्ग लग गया, अब इसके अंदर पूरा मर्ज, ठीक है। अब क्या कर रहा है, प्रॉन्ग सेलेक्ट किए, शिफ्ट दबाया, इस सरफेस को सेलेक्ट किया और कंट्रोल क्यू दबाया, ग्रुप होगा, और मैंने एक कलर दे दिया। एक कलर मैं इसलिए दे रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि देखो जब मैं सरफेस को बंद करूँगा प्रॉन्ग खुलेगा, ये अगर मैं प्रॉन्ग को बंद करूँगा सरफेस खुलेगी, ग्रुप तो हुई भी है लेकिन मैंने बंद नहीं किया, वो एक कलर नहीं दिया वो, इसलिए एक कलर देना लाजमी है इसको, ये एक कलर मैंने दे दिया, ठीक है। उसके बाद इसको सेलेक्ट किया और राइट क्लिक किया, ये ग्रुप की कमांड में हो, ये भी ग्रुप हो गया और ये कलर दे दिया। अब मैंने इसको स्टोन्स को एंड में ग्रुप करना है ताकि कोई कलर ना आए, स्टोन्स का कलर ये वाला होता है, ठीक है इसका कलर ये वाला है, ओके हो गया। अब हमारे जितने ये हमारे पीस यहाँ पे मुकम्मल हो गया, इसको मैं हल्का सा ऊपर कर देता हूँ यहाँ ऐसे,
ठीक है, ये आ गया, ठीक है समझ आई, ये चीज हमने बना ली। अब हमने क्या करना है, इसको अब हमने ये बाहर के जो सर्व है ना इनको सिलेक्ट कर, इसको बनाना है, ये पीयर्स है हमारे, हमने इसको कैसे बनाना है आपको ये बता देता हूँ कि अब हमने यहाँ इसको काम को सेफ भी करते हुए चलना है, ये ना बात को काम सेफ ना करो काम हमारा आगे लग जाए। हमने क्या करना है, फाइल में जाना है और ये सेव एज, ठीक है सेव एज पे क्लिक करना है। अब वो पूछेगा कि आपने फाइल कहाँ पे सेव करनी है, ठीक है कोई भी फोल्डर बना लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाते हैं, मैं वैसे डेस्कटॉप वैसे बना रहा हूँ, आपने सी ड्राइव में कहीं बनाना है अपने पास, डेस्कटॉप पे आई यहाँ पे ये न्यू फोल्डर, इस पर क्लिक कर दिया। अब न्यू फोल्डर के अंदर हम लिख देते हैं वर्क, ठीक है ये मैंने वर्क लिखा और एंटर कर दिया। उसके बाद इस पर क्लिक किया और कोई भी नाम दे दो, वन दे दो, टू दे दो, थ्री दे दो या रिंग दे दो, कोई भी आपको जाना अपना वन नाम दे दो ये और एंटर कर दिया। अब देखो ये सर्कल घूम रहा है, इसका मतलब ये सेव हो रहा है, ठीक है। अब आपने कोई भी काम करना है जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है, इस पर क्लिक करेंगे सेव होता जाएगा, क्लिक करते जाएगा सेव होता जाएगा। कंट्रोल एस करोगे तो ये इस तरह से करेगा, मैंने कंट्रोल एस किया तो ये दोबारा कंप्यूटर में ले जाएगा, हाँ जी कहाँ पे करना है। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा फिर एंटर करूंगा, फिर वो कहेगा रिप्लेस, हम कहेंगे यस, लंबा काम हो जाएगा। हम जस्ट यहाँ पे जाएंगे, काम किया यस, काम किया सेव, ये हमारा काम होगा। अब हमने जाना दोबारा जेम्स में और जेम लोडर, ठीक है जेम लोडर में गए और यहाँ जेम शेप में जाने के बाद ये पीएल पीएल लोडर। भाई एसटीएल में और थ्रीडी में क्या है? एसटीएल में काम नहीं आप कर सकते, थ्री डी में कोई भी आप काम कर सकते, थ्री डी एसटीएल बनती है फिक्स, जब फाइल फिक्स करते हैं ना वो एसटीएल में, जब मशीन में जाने के लिए वो भी बताता हूँ उसको मुकम्मल करने के बाद, ठीक है। अब ये देखो पीएल आ गए, अब हमने ये स्टोन ले लिया, ठीक है ये हमारा ये आ गया छः चार का साइज, कितना छः चार का, उसी तरह से एफ सिक्स जेम प्रोफाइल राइट क्लिक। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से इसको हमने क्रॉस किया और लेयर खोल के ये वाला सब बंद कर दिया, उसके बाद इसको सेलेक्ट किया, ठीक है और यहाँ से हमने कर में जाके ऑफसेट कर दी, जैसे मैंने बताया 0.5 आपने रिक्वायर्ड के हिसाब से करना है, कि अगर आपको थोड़ा वजन ज़्यादा चाहिए तो हम उसको वजन 0.6 भी कर सकते हैं, बेहतर जैसे मैंने 0.6 कर दिया, ठीक है ये। अब इसके बाद सरफेस, और ये देखिए पैच था, ये है प्लानर, प्लानर जो बाउंड्री होगी जब उसको पैच करेगा, पैच पूरे को कर देगा, हमें प्लानर के अंदर ट्रिम नहीं करना पड़ेगा। देखो ये देखो प्लानर और पैच में ये फ़र्क है, प्लानर करोगे तो वो इसको कर देगा जो चीज़ हमें चाहिए, पैच करोगे तो वो पूरा करेगा, फिर आप ट्रिम करोगे बीच में, ठीक है। कर्व डिलीट कर दिया मैंने, अब मैंने क्या करा सरफेस में गए और यहाँ से इसको गेज कर दिया, एक है ये चांदी में लगना है इसलिए मैं गेज ज़्यादा कर रहा हूँ, सोने में लगना होगा तो उसके हिसाब से हमने गेज करना है 0.6, 0.7, वो आपने पूछ पूछ के मेरे से करना है, ठीक है ये आपको वक्त के साथ साथ सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद वही सॉलिड में गए और सिलेंडर जंग बनेगा ही आपका सिलेंडर से, यहाँ पर रखा, ठीक है यहाँ पर 0.75, ठीक है जंग लिया और यहाँ पे इसको ऐसे ये चीज, ठीक है देखो नगीना मैंने रखा हुआ ना, मुझे पता चला नगीना से मैंने कितना ऊंचा जंग रखा, इतना नहीं रखना, इतना भी नहीं रखना, इतना भी नहीं करना, क्योंकि बिला फजूल का जंग ही कटेगा, यहाँ तक रखो बस उसे पकड़ कर जितना गुलाई में कट लिया पूरा। आप देखो मैं इतना जंग रखूंगा तो अगर वो इसी जंग को मूव करेगा तो ये जंग यहाँ तक आ जाएगा, नगीना छुप जाएगा, हमने जंग इतना रखना बस कि वो उसको पकड़ कर ले, बाकी उसने अपने साथ जो काट रहा हो उसको काट के छोटा भी कर लेगा, ठीक है। हाँ ये एक एम एम, दो एम एम, तीन एम एम, ठीक है ये आगे, इसके बाद इसको और ये 2.5 mm, ठीक है इस तरह से। इसके बाद ये देखिए फिल्टर है दोबारा से राइट क्लिक, वैल्यू 0.33 ऑलरेडी है, राइट क्लिक और फिर राइट क्लिक, ये हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ से इसको ऐसे थोड़ा सा इधर किया, ये चीज़ बाहर लिया ताकि स्टोन इजी, स्टोन क्या मतलब स्टोन बेटा, ये देखो ये पकड़ा यहाँ से, यहाँ से ये मूव की कमांड दे रहा है ना, देखो ये अगर एम एस आर यहाँ से बंद कर दूँ नहीं आएगा, ठीक है फिर मुझे ये है मूव की कमांड, इससे पकड़ के मैं इधर ले जाऊँ उधर, इसको मैं इधर ले जाऊँ जहाँ मर्जी ले जाऊँ, राइट क्लिक कंट्रोल जी। अब ये देखो गम बॉल, इसको मैं ओपन करूँगा तो कहेगा इधर ले जाओ, इधर ले जाओ, रोटेट कर लो, बड़ा कर दो, छोटा कर दो, यूँ कर दो, यूँ कर दो, वो कहेगा आपकी मर्जी, मैं कंट्रोल जी करता हूँ, ये आ गया वापस। अब ये पकड़ा और ये डुप्लीकेट है, ये देखे डुप्लीकेट के मार, ये डुप्लीकेट एक जंग पकड़ा यहाँ पे, दूसरा एक यहाँ लगा दिया और इसको मिरर कर, ठीक है ये हमने मिरर कर दिया यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा बाहर हो गया, इसको यहाँ इसको डिलीट कर दिया, डिलीट। ये है राइनो हिस्ट्री, इसको ऑन हर जगह पे नहीं करना, इससे ये होता है कि देखो मैंने एक जंग को मिरर किया राइनो हिस्ट्री ऑन करने के बाद, तो जब मैं इस जंग को इधर करूँगा वो खुद ही हो जाएगा,
ये भी बेनिफिट होता है काम करने का, ठीक है। इसको मैंने सेलेक्ट किया और मैंने ग्रुप कर दिया, ठीक है। इसको मैंने किया, अब दोबारा से इसको और नगीनों को पकड़ के ग्रुप कर दिया, ठीक है। अब हमने असल काम क्या करना है, अब जाना है इसका साइज, अब हमने ये वाला काम करना, ये हो गया इसकी सेटिंग करनी, उसके बाद हमने ये चीज़ बनानी, ये चीज़ बनी है ना वाटरिंग, हमने ये चीज़ बनानी, वो चीज़ कैसे बनानी है अब आपको बता दूँ। अब हमने क्या क्या करना क्या है, अब हमने यहाँ पे जाना है थ्रू फिंगर के अंदर, जैसे ये वाली व्यू, इस वाली व्यू के अंदर हमने प्लास्टिक व्यू करा, अब हमने साइज़ चाहिए, हमें साइज़ जो रिक्वायर्ड होगा ना हमें वो चाहिए। उससे पहले एक काम करते हैं कि इसकी पहले सेटिंग कर लेते हैं, तमाम को पकड़ा ग्रुप कर लिया और इसको मैं ऊपर ले आया यहाँ पे, ऐसे जस्ट ऐसी मैंने यहाँ रख लिया आइडिया के तौर पर, इसको मैंने यहाँ से इधर ले आया। अब साइड व्यू में जाऊँगा, ठीक है। साइड व्यू में जाने के बाद यहाँ से मैं ये है रोटेट, रोटेट की कमांड पकड़ी, अब वो पूछा पहला पॉइंट कहाँ रखना है आपने, इधर रखना या इधर रखना, मैंने इधर रखना, यहाँ रखा और ये इसको ऐसे कर, ठीक है। अगर मैं यहाँ रखूँगा पॉइंट तो ये ऐसे उठा लेगा, ऐसे भी कर देगा, वो कर दिया। मैंने आगे से डाउन करना था तो मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है, ऐसे मैंने कर दिया। उसके बाद मैंने इसको ऐसे पीछे की तरफ लिया हल्का सा, और मैंने इसको यहाँ पर ऐसे और यहाँ पर बिल्कुल इसके पास, ज़्यादा भी नहीं मर्ज करना कि नगीना के साथ टच हो जाए, कि नगीना बाद का जड़ाई में परेशानी करे उसको, ठीक है। हमने इतना भी नहीं करना, हमें देखना एक दो तीन चार पाँच छः हैं, अब इसमें छः तो मेरे ख्याल से नहीं आने वाले, जहाँ तक मुझे समझ आ रही छः नहीं आएंगे इसके अंदर, तो हमने देखना है कि छः आते हैं नहीं आते, हमने इसकी डिवाइड देख ली है तीन और तीन छः, मुश्किल से आए इसके अंदर नहीं आ जाएंगे, ठीक है। असल में यहाँ पे मैं इसको अरे बॉलर नहीं करेंगे, नहीं बेटा ये अरे बॉलर नहीं होगा, ये अरे बॉलर बिल्कुल भी नहीं होगा, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, और ये असल में यहाँ पे ऐसे आएगा हमारा जो सर्व है ना, ये रहे। ये एक दो तीन, ये इस तरह से लगे हुए हमारे, थोड़ा सा मैंने छोटा किया सर्व को और रोटेट इसको यहाँ पर लाना है, ये एफ फोर से सेंटर पकड़ के, ठीक है, उसके बाद रोटेट कॉपी, फिर यहाँ और फिर यहाँ पर, अब आएंगे जाके ये देखिए। अब इसको हमने ऐसे हल्का सा इसको मैंने यहाँ कर दिया ऐसे, इसको मैं यहाँ ले आया ऐसे, इन तीनों को पकड़ के हल्का सा छोटा मजीद कर दिया ये चीज, ठीक है, लाइट से छोटा मैंने किया इसको, और ये इस जगह पे आ गया। अब हमारा जब ये होगा ये इधर जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये पकड़ा मैंने, इसको सेलेक्ट किया और इसको कंफिगर कर दिया, आगे वही चीज़ हमारी। लेकिन ये अभी बहुत ज़्यादा डाउन होगी हमारी ये चीज़, तो हम कंट्रोल जी करेंगे और इन तीनों को इसको मैं हल्का सा इधर करूँगा, देखो ये बाउंड्री यहाँ पर, ये ऐसे यहाँ पर, उसके बाद ये और यहाँ पर ऐसे, ये तो बहुत ज़्यादा ना साथ ये यहाँ से आपको लग रहे हैं, लेकिन यहाँ से देखो पर्सपेक्टिव में जाकर देखो कहाँ लगे हैं, देखा ना वहाँ पे लग रहेंगे आपको कि बहुत ज़्यादा डाउन है, लेकिन ऐसा है नहीं। अब ये गम बॉल को हमने पर्सपेक्टिव में सेट करना है, कंट्रोल दबाया इस पीले एरो को यूँ दबाया लेफ्ट क्लिक दबा, फिर गम बॉल दबाया उसको यहाँ से ऐसे कर लिया, ठीक है। उसके बाद गम बॉल दबाया कंट्रोल दबा के इधर लिया ऐसे, ठीक है। उसके बाद इसको मैंने डाउन करना ऐसे, ये देखो उसके अंदर भी डाउन हुआ भी नीचे, ठीक है। अब मैंने इसको यहाँ से पीछे ले लिया, यहाँ पर ऐसे लिया, ओके हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ इसको मिरर कर दिया, क्वाड उस तरफ मिरर कर दिया। अब मैंने इसको पकड़ा, इसको अनसेलेक्ट किया, इन तमाम को पकड़ के इसको अनसेलेक्ट किया और यहाँ पर मिरर कर दिया, ठीक है। जब एक डाउन कैसे किया था, ये देखिए पहले इन तीनों को पकड़ा, ठीक है, फिर ये गम बॉल को मैंने पकड़ा, कंट्रोल दबाया और इसकी पोजीशन के मुताबिक जैसे वो पड़े में वैसे किया, पहले एरो को यू किया, फिर इस व्यू में आया, ठीक है, फिर कंट्रोल दबा के एरो को मैंने गम बॉल को यू किया ऐसे, फिर उसके मुताबिक देखो वो बिल्कुल सेम डायरेक्शन में हो गए, जैसे वो पड़े हुए वैसे ही वो पड़े हुए, तो मैंने इसको इस तरफ मूव कर दिया। अब हमने क्या करना है, इसको मैंने इधर मूव कर दिया, ठीक है, इसको सेलेक्ट किया, इसको अनसेलेक्ट किया, इसको इधर मिरर कर दिया। अब ये रोटेट और देखिए मर्ज हो रहा है, हमने इसको मर्ज नहीं करना देना, इसको हल्का सा इधर रोटेट कर रहे, वो तो खुद ही रोटेट हो गया, ठीक है, ये हल्का सा। अब रोटेट से हमने इसको हल्का सा बाहर निकाल लिया ताकि ये डिस्टर्ब ना करे, उसको हल्का सा यहाँ से बाहर निकाल लिया कंट्रोल दी और इसको हल्का सा यहाँ से ऐसे बाहर निकाल दो, ठीक है। आगे वही चीज़ हमारी जो चीज़ थी हमारी, अब यहाँ पे ये देखो ओके हो गई, ठीक है। अब लेकिन
अभी मेरे हिसाब से मजीद इसको हमें गिराना चाहिए, ये मजीद डाउन होगी। मैं तीनों को दोबारा से और मजीद कर देता हूँ, ये चीज़ वही दोबारा प्रोस्पेक्टिव में कंट्रोल दबा के गम्बॉल सेट किया, फिर यहाँ पे सेट किया, फिर कंट्रोल दबा के गम्बॉल को यहाँ में ले आया, कंट्रोल छोड़ा नहीं। अब मैंने ये देखिए रोटेट, ठीक है, मजीद रोटेट कर दिया हल्का सा इधर कर दिया। अब हमने उधर मिरर किया, फिर क्वाड दबा के हमने इधर मिरर। अभी मर्ज हो रहा है ना, देखो दोबारा से इसको हम हल्का सा बाहर निकालते हैं यहाँ से, हो गया, इसको हल्का इसको रोटेट करो हल्का सा यहाँ से, ये चीज़ वो भी हो गया, और इसको हल्का सा यहाँ से बाहर निकालो, यहाँ पर देखो वो ऑटोमेटिक ठीक हो रहा है। इसको हमने हल्का सा यहाँ से बाहर निकाल देते, बाहर निकालते जाएंगे वो ऑटोमेटिक स्पेस देता जाएगा हमें, देखो हो गया हमारी शेप आपको ऑटोमेटिक दे देगा, स्पेस हो गई हमारे यहाँ, ठीक है। अब ठीक ये काफ़ी हद तक बेहतर हो गया हमारा, ठीक है, ये यहाँ पे हमारा ये चीज़ आ गई। अब इसको रेड क्लिक, मैं इस कलर के बजाय जाके रेड क्लिक करूँगा ना तो सारा कलर सेलेक्ट हो जाएगा, और इसको यहाँ से जब मैं ग्रीन कलर में प्ले करूँगा तो ये ग्रीन कलर आ जाएगा, ठीक है, ओके ओके। इसको मैंने सेलेक्ट किया और ग्रुप कर दिया। अब हमने बनानी ये चीज़, असल काम है हमारा ये बनाना। अब हमने इसको बनाना है, इसको बनाना कैसे है हमने, अब हम क्या करेंगे, थ्रू फिंगर में जाते हैं, ठीक है। थ्रू फिंगर में जाने के बाद हमने करना क्या है, अब हमने करना कुछ हिस्सा, पहले इसको देखते हैं यहाँ पे फासला तो कितना है, इसको हल्का सा ना ऐसे फिंगर लाइट सा ना ऐसे खोल देते हैं, इसको लाइट सा ये चल बस ना चल जाता है, मैंने हल्का सा खोल दिया इसको, यूँ करके ये पकड़ा, ये वाला पॉइंट पकड़ा, इसको हल्का सा ऐसे खोल, लेकिन ज़्यादा भी नहीं खोल देना कि वो बिल्कुल ही उसकी शेप ही ख़राब हो जाए, इतना भी नहीं करना इसको, ठीक है। ये तो पहले वो उनको सजी ने खोला था, मैं पकड़ के पूरी सत्यानाश कर दिया पीस का, नहीं नहीं बहुत हो जाएगा, ये 1 mm इतना होता है, ये देखो उधर हो गई गोल शेप खराब, 1 mm इतना होता है, लाइट सा करो कि पता भी ना चले कि भाई चले वो बनाना पता था मेंढक बनाना था, बना कुछ और दिया हमने, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब ये देखो एक चीज़ और आपको समझा देता हूँ, इसको करो डिलीट, एक चीज़ आपने और नोट करनी है प्रोस्पेक्टिव में जाके ना, इनको हमने कर दिया डिलीट, ठीक है। अब आप ये देखो ये जो सरू है ना, ये सरू इसके नस्बत ये हल्का सा ना यूँ गिर रहा है, ये देखो ये नीचे है, ये देखो ये जंगों के, ये देखो ये वाला जो है ना ये ऊपर जा रहा है इसका, ये देखो तीनों लेवल जा रहे हैं। आपने यहाँ पे आके ये चीज़ भी देखनी है कि हमारा सरू जो है ना ये वाला ये यूँ है, यूँ ना गिरे यूँ ना गिरे, ये चीज़ को भी आपने एक लेवल पर रहे, आपने ये चीज़ भी बड़ी मायने रखती है हमारी, इसको भी आपने नोट करना है, ठीक है। ये चीज़ इधर आ गई, ओके हो गया, ये चीज़ इधर आ गई, इसको मैंने इधर मिरर कर, अब दोबारा ये पकड़ा और इसको मैंने इधर मिरर कर दिया, ठीक है, ये मिरर हो गया मेरा। इसको मैं हल्का सा नीचे इसको नीचे उतार देता हूँ, इसको इस तरह से अब ये पता ना चले हमारा, ये आ गया हल्का सा ऊपर, ये आ गया। यहाँ पे जब जाओगे ना इस वाली जगह पे, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारी ऑप्शन देगा कि आपने सेलेक्ट क्या करना है, ऑल कर सेलेक्ट सेलेक्ट ऑल कर सेलेक्ट क्लोज कर सेलेक्ट प्लानर कर, यहाँ पे जा यहाँ पे क्लिक करेंगे वो सारी दे देगा आपने क्या सेलेक्ट करना है। मैंने सेलेक्ट करना कर ये सेलेक्ट किया, ऑल कर सेलेक्ट किया, ठीक है, और मैंने इसको ये वाला कलर जो कलर है ना मैंने ये वाला कलर दे दिया, ये बंद हो गया। कर्वों को डिलीट नहीं करना लाइन वर्क को, अब हमने चलना है इसकी तरफ, इसको बोलते हैं वाटवान, क्या बोलते हैं वाटवान बोलते हैं इसको, स्प्रिंग बोलते हैं इसको। अब हमने ये बनाना है, इसके लिए हम चाहेंगे पहले थ्रू फिंगर में, और यहाँ से हमने पहले अंगूठी का साइज लेना है, क्या लेना है साइज, ये देखो ये यहाँ से लेंगे रिंग, ठीक है, रिंग रेल, ये रिंग रेल यहाँ पे भी है और टूल में जाओगे तो यहाँ पर भी मौजूद है रिंग रेल, असल कमांड के अंदर मौजूद है, यहाँ पे शॉर्ट कर बना, इस पर क्लिक करोगे ये आ गया। अब ये देखो क्या लिखा हुआ है स्विप, ठीक है, स्विप के लिखा हुआ है साइज, जो स्टील साइज लिखना यहाँ पे साइज सेलेक्ट करना है, जो अब आपका साइज जो होता है ना हमारा स्टील वाला जो हमारा मार्क वो असल होता ही स्विस के अंदर है, असल होता ही स्विस के अंदर है, तो अब आपने क्या करना है यहाँ से स्विस का साइज सेलेक्ट करना है, 15 नंबर 16 नंबर वो आपकी मर्जी है, मुझे जो रिक्वायर्ड है वो 15 नंबर है, ठीक है। मैं यहाँ से नीचे आता हूँ 15 नंबर ये वाला, यहाँ 15 नंबर 3 आएंगे, 15 15 देखो 15 15 1 4 15 1 2 आपने एंड वाला सेलेक्ट करना है, जब भी करना है एंड वाला करना है, ठीक है, ये उसके बाद प्ले कर दो, ये आ गया साइज, आ गया साइज मेरे पास। अब मैंने क्या करना है, इसको मैं रैंडमली ना मिसाल के तौर पे ऊपर ले जाता हूँ, ये यहाँ पे मैं यहाँ वैसे ही लेके आ गया, इसको अभी हमने काम करना है इसका, ठीक है, इसको मैं यहाँ ले आया। अब मैंने क्या करना है, मैंने तो और से देखना कि यार यहाँ पे ये तीन बनी हुई है, 1 2 3 और ये 4 बनी हुई है, ठीक है, ये 4 पाइप बने हुए हैं इसके। अब
अब मैंने क्या करना है, यहाँ से डुप्लीकेट एज लूंगा, डुप्लीकेट एज कह रहा हूँ डुप्लीकेट, ठीक है, साइड व्यू में, साइड व्यू में डुप्लीकेट लिया, ये आ गया नहीं, ये पाँच हो जाएंगे जब डिवाइड करेंगे ना, ये पाँच हो जाएंगे, ये उधर आ जाएगा ना, एक सेंटर में आ गया, ये देखो ना, ये हमारे सेंटर में नहीं है, तो हमने सिर्फ इसको ही लेना है, ये डुप्लीकेट ये लिया है, ठीक है, इन दोनों को लेके मैंने इधर कर दिया ऐसे, ओके हो गया मेरा। अब यहाँ पे देखना है कि किस तरह से हल्का सा मूव है ये, इसको हमने लिया, हमने सेंटर से जाके ना पहले इन दोनों को काट देते हैं, ये मैंने पीस बंद किया, नगीने बंद कर दी, ठीक है, अब इन दोनों को लिया, कर में गए, सिंगल लाइन ली, F4 दबाया और बोथ साइड एक दो करवा, ठीक है, इन दोनों शिफ्ट दबा कर सीधा किया मैंने, इसको भी सिलेक्ट किया, इसको भी सिलेक्ट किया, और यह कैंची है, ट्रिम बोलते हैं इसको, और यहाँ से काट दिया, ठीक है, इस कर को मैंने डिलीट कर दिया, ओके। अब हमने देखो दो कर्व आ गए मेरे पास, अब हमने क्या करना है, यहाँ से ना इस कर्व को रोटेट कर देना, क्या करना है, रोटेट ऐसे सिलेक्ट करके, और ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, ये है बैंड, क्या है, बाहर शॉर्टकट पड़ा नहीं, ये बैंड, ये शॉर्टकट नहीं है, ये बैंड की कमांड है, इस पर क्लिक किया और इसको पकड़ के यहाँ से ऐसे बैंड कर दिया, ठीक है, ये बैंड हो गया, फिर राइट क्लिक करके दोबारा उसी कमांड में आए, पहले हमने यहाँ रख के बैंड किया था, अब यहाँ रखेंगे, यहाँ रख के बैंड कर दिया इसको ऐसे, ठीक है, उसके बाद मैंने इसको पकड़ा, फिर इसको यहाँ रख के बैंड कर दिया हल्का सा, और फिर उसके बाद यहाँ रखा इसको ऐसे बैंड कर दिया, ये चीज समझ आई। अब हमने इस पीस को लेकर आना है, ठीक है, अब इस पीस को हमने लेकर आना है, और इस पीस को हमने यहाँ पर देखो लॉक हुआ, ताला लगा, सेलेक्ट नहीं हो रहा, ताला खोला और इसको राइट क्लिक किया और ग्रुप कर लिया पीस को, ठीक है, नगीने देखते हैं ग्रुप है हमारे, अनग्रुप है सारे, इसको मैंने देखो राइनोश्री ऑन थी ना, उसने अनग्रुप कर दिया, राइनोश्री बंद कर दिया। अब मैं इसको यहाँ ले आता हूँ ऐसे नीचे की तरह, मुझे यहाँ पे चाहिए नहीं, लुकिंग डाउन में जाते हैं, ये देखो बस, ठीक है। अब हमने यह करना है, ये वाला जो कर्व है बाहर वाला, इसको हमने यहाँ तक लेके आना है, क्योंकि ये देखो ये नोक सरू की कहाँ तक है, यहाँ तक है, तो अब हमने क्या करना है, इसको पॉइंट्स देने हैं, ये है कंट्रोल पॉइंट्स, कंट्रोल पॉइंट दिए इसको मैंने, कहाँ पे कंट्रोल पॉइंट, इसको स्केप करेंगे कमांड से बाहर, सेलेक्ट किया, ये है कंट्रोल पॉइंट, इसको पकड़ा यहाँ से, ये मैं यहाँ तक ले आऊँगा, इसको मूव वहाँ गया, ये एरो यहाँ तक, ठीक है, इसको मैंने सेट करना है, अभी ये सेट नहीं है मेरा, ठीक है, ये सेट हो रहा है मेरा, ये देखो ये चीज लेकिन हमने क्या करना है, ये हमारा थोड़ा सा कर्व ज़्यादा आ गया, तो हमने कंट्रोल जी कर लिया, और इसको एक दफ़ा रीबिल्ड करना है, ये कर लिया, कर्व में जाएंगे, ये है रीबिल्ड, ये लिया, पूछा कितने पॉइंट लगाने हैं, हम कहते हैं यार 8 लगा देते हैं, और प्रीव्यू कर दिया और ओके कर दिया, ठीक है, अब 8 पॉइंट देगा ये, ठीक है, ज़्यादा पॉइंट नहीं देगा ताकि हमारा काम भी ख़राब ना हो। दोबारा से लुकिंग डाउन में गए और इसको यहाँ ले आए ऐसे, ये पॉइंट सेलेक्ट नहीं हुआ, ये हमारा कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है, इसको दिया और यहाँ ले आए ऐसे, देखो आ गया यहाँ तक, इसके नीचे से आ गया हमारा, यहाँ पे गए, देखो वही शेप आ गई, ये जी ऐसे, फिर यहाँ से पॉइंट्स के ऊपर अगर आपको काम करना आ गया ना, कर्वों के ऊपर, मैं कहता हूँ कोई मर्जी काम आपके पास आ जाए आप मार नहीं खाओ, कर्वों के ऊपर काम बनाना सीख गया तो हमारा। अब हमने देखो इसको स्केप कर दिया कमान से बाहर, इसको मैंने पकड़ा, इसको पकड़ा, ये सेकेंड विंडो, ये हिलेक्स, इस पर क्लिक किया, ये है अराउंड का, इस पर क्लिक किया, ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद अब पूछा सेलेक्ट करो जिसके ऊपर आपने बनाना, मैंने इस कर्व के ऊपर क्लिक किया, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटे से पॉइंट है जो काफ़ी लोगों को नहीं पता होते, वो पॉइंट क्या है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टर्म्स 20, मैं 20 लिखे है ना, 20 के डबल आ जाएंगे, 40 हो जाएंगे, खिचड़ी पक जाएगी, हमने यहाँ पे हाफ लिखा है, मतलब कि 15 लिखेंगे 30 आएंगे, ठीक है, वाटना बनता सिंगल नहीं बनता, वाटना डबल बनता, एक इधर से जाता दूसरा इधर से आता तो वो डबल हो जाते हैं, हम यहाँ पे करते हैं 15, ये हमारे टर्म आ गए, ठीक है। आपको पूछा आपने मोटाई कितनी रखनी है वाटर की, यार मोटाई तो बताओ मुझे कितनी, मोटाई छोटाई कितनी रखनी है, उसको हम कितना रख लेते हैं, हम उसको पॉइंट 1 mm कर लेते हैं, 1 mm आ गया हमारा, ठीक है, और राइट क्लिक मैंने कर दिया, बन गया स्प्रिंग मेरा, दोबारा राइट क्लिक किया उसी कमांड में आया, फिर मैंने राउंड क्लिक पे क्लिक किया, फिर इस कर्व पे क्लिक किया, अब मैंने पहले सब कुछ लिख लिया था, अब मैं जस्ट राइट क्लिक करूँगा, और राइट क्लिक करने के बाद इसकी थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज करूँगा, कि यार ये डायरेक्शन मेरी सही होनी चाहिए, वाटर मेरा सही बने, अब यहाँ पर थोड़ा सा ये डिस्टर्ब कर देता हमें, कि हमने इसको देखना है कि ये चीज़ हमारी सही होनी चाहिए, ये देख आगे बल, ये देख ये ऐसे हो गया, हाँ ये डबल हो गया, इसको हमने करेंगे पाइप, पाइप में आए,
ये कैप क्या क्या फ्लैट लिखा हुआ, हमने राउंड करना था कि आगे से शेप राउंड वाले, वही बात आ गई डायमीटर रेडियस। हम डायमीटर पे क्लिक करेंगे और जो वैल्यू लिखनी है वो लिखेंगे हम 1 mm। लेकिन ये हमारी अभी सही नहीं बनी, इस पे वापस कंट्रोल जी, ठीक है कंट्रोल जी किया और दोबारा से हिलेक्स में गए, यहाँ से राउंड कर लिया और इसको हमने लिया यहाँ से 20 एंटर, और इसको हमने किया तकरीबन 0.6 एंटर, ठीक है 0.6 0.7 कर देते हैं, ये 0.7 की जगह 7 mm हो गया, ठीक है इसके टर्म जो है मैं कर देता हूँ 18, ठीक है ये आ गया मेरे पास राइट ये, जब बार राउंड कर फिर ये कर फिर राउंड ये। अब इसको थोड़ा सा हमें समझना है कि यार ये किस तरह हमारा बेहतर किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा या इस तरफ आएगा, ये हमें थोड़ा सा समझना है, ये इस तरफ ये इधर आ गया, ठीक है ये और एक ये। इसके बाद दोबारा सॉलिड में गए पाइप राइट क्लिक, ये लेकिन ये टर्न बहुत ज़्यादा हो रहे हैं हमारे, ज़रूरत से ज़्यादा हो रहे हैं हमारे, कंट्रोल जी करके फिर से दोबारा इनको बार बार करके देखना है आपने, बार बार आपने करना है, एक दफ़ा में ये नहीं होगा आपसे, तजर्बा अगर हो जाएगा फिर तो कर लोगे, लेकिन बार बार करना है आपने। इसको मैं टर्न कर देता हूँ 12, उसको कहता हूँ 0.5, ठीक है 0.5 मैंने कर दिया या 0.6 कर दिया, मैं रेडियस में काम कर रहा हूँ। आपने अगर डायमीटर में काम करें तो आपको हाफ वैल्यू लिखनी पड़ेगी, वही जो मैंने अभी बताया, रेडियस में काम करोगे तो वो ज़्यादा फायदा है, उसमें जो लिखोगे वही वैल्यू, वही वैल्यू। अब आपने ये देखो इसको ऐसे, ये देखो ये बन रहा है बाटवा, देख रहे हो एक बल दूसरे बल के सामने आ रहा है, मैं इधर जा रहा हूँ तो ये बल पीछे जा रहा है, ये आगे जा रहा है, हमने यहाँ ये रखना परफेक्ट, ये देखो ठीक है इसको पकड़ा, अब इसको पकड़ा, उसके बाद सॉलिड में गए पाइप कर दिया तो हमने 0.8 आ गया स्प्रिंग, देखो आई चीज़, ये चीज़ असल में हमने अब लेकर आ गई, तो अब हम इस टर्न दोबारा से इसके बढ़ा देंगे। अब असल में हम यहाँ अब काम शुरू करते हैं ये चीज़, ठीक है टर्न मैंने 12 किया था, मैं 16 कर देता हूँ एंटर 0.6 एंटर, इसको यहाँ पर छोड़ दिया, फिर राइट क्लिक अराउंड कर कर, और इसको मैंने यहाँ पे यहाँ छोड़ देना, मैंने कहा ए, इसको मैंने तकरीबन यहाँ पे ला के ना इसको ऐसे छोड़ दिया, इसकी ये चीज़ चेक करनी है हाँ कि आमने सामने होनी चाहिए, आमने सामने नहीं होगी तो वो वार्ड में हमारा आगे पीछे हो जाएगा, सही ये देखा अभी भी यहाँ पर फर्क आ रहा है, क्योंकि वो चीज़ हमारी आमने सामने नहीं आई। इसको दोबारा किया हमने कर में गए अराउंड कर फिर ये लिया, ठीक है कर मैंने इसके 20 कर रहे 0.6 करा 0.55 करा, ठीक है फिर अराउंड कर ये देख, अब इसकी परफेक्ट हमने लेके आनी कि यार वैल्यू हमारी परफेक्ट आनी चाहिए इसके सामने बिल्कुल, यानी कि कहाँ जा रही है कहीं जा रही है ये चीज़ नहीं हमने करनी, हमने इसकी वैल्यू देखनी कि यार कहाँ जा रही है, अभी भी ये मेरे ख्याल से सही नहीं है, मेरे हिसाब से सही नहीं है, अभी भी ये ज़्यादा, अब आठवां सही आया हमारा, लेकिन थोड़ा सा हमें खुला करना है इसको, थोड़ा सा खुला करना है यहाँ पे दोबारा से, ये मैं सर आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ, मैंने वरना कर देना था कब का ही, सर आप लोगों को समझाने के लिए मैं इसको कर रहा हूँ, ये 20 है ओके, इसको 0.4 कर देते हैं, ठीक है 0.4 और ये कर दिया, फिर राइट क्लिक अराउंड कर और ये फिर राइट क्लिक, इसको हमने यहाँ लिया ऐसे, ये यहाँ पर ये, इसके बाद इसको हमने 0.75 करके देख, ये लो ठीक है ओके आ गया, मतलब उसको बढ़ाना है और इसको कम, इसको मैंने यहाँ से गेज कम कर दिया इसका, ठीक है जब मैंने गेज कम किया तो उसने ये चीज़ मुझे दे दी। अगर आप इसको बढ़ाना चाहो तो बढ़ा भी सकते हो अंगूठी के हिसाब से, जो आपका काम होगा ये देखो इसके हिसाब से आपने बढ़ाना चाहो तो उसको बढ़ा भी सकते हो, कोई इशू नहीं है इसको, ठीक है ये देखो मैंने इसको यहाँ पे इतना कर लिया, समझ आई ओके हो गया। अब मैंने क्या करना है इसको और इसको लिया और यहाँ से ग्रुप किया और मिरर कर दिया, हो गया मिरर ठीक है। अब यहाँ से हमने इसको लिया, इसको लिया और ये ग्रुप किया और इधर मिरर कर दिया ऐसे, हो गया मिरर, हो गई दो चीज़ें हमारी। अब इसके अंदर हमने इस पीस को लाना है और इसको यहाँ पे इसके अंदर मर्ज कर देना ऐसे, ठीक है ये आ गया ठीक है, ये इसको यहाँ पे यहाँ पे अब इसके अंदर मर्ज भी हो गया, सपोर्ट भी मिल गई इसको एक किस्म की, ठीक है और वो देखो ये शेप भी हमारे पास। अब हमने क्या करना है उसी तरह से ये पकड़ना, लेकिन ये हमारा देखो ये हमारा यहाँ तक आना ना पूरा, हमने इसको यहाँ तक नहीं लेके आना, ये देखो ये यहाँ पर है हमारा, इसके साथ मर्ज हो जाएगा, ये हमारा कर यहाँ तक आ रहा है, हमने इसको यहाँ तक नहीं लेके आना।
हमने इसको वैल्यू को बंद किया। इस ये देखें, ये है पॉइंट, सुप्लिट, सुप्लिट की कमान है, इसके ऊपर ये है पॉइंट, पॉइंट पे क्लिक किया, वो कहता है पॉइंट कहाँ रखे तोड़ना है, मैंने यहाँ रखे तोड़ना, राइट क्लिक, ये लैदा हो गया, ये लैदा हो गया, इसको मैंने डिलीट नहीं करना किसी कर्व को भी, इसको उसी तरह से रिबिल्ड किया एक दफ़ा, ये कर्व लिया, सुप्लिट की कमान पकड़ी, ये पॉइंट पकड़ी, वो कहाँ रखना है मेरी मर्जी है, यहाँ रखे मैंने राइट क्लिक कर दिया, अभी 200 में डिवाइड हो गया। अब जो नीचे वाला कर्व है उसको मैं रिबिल्ड कर देता हूँ 8 पे, ठीक है, अब मैंने इसको पॉइंट दिए और ये पॉइंट पकड़े मैंने और इनको मैंने यहाँ से मिला दिया ऊपर की तरफ, ठीक है, ये मैं इसके यहाँ पे लेके आया, तस्वीर मैंने हाइड कर दी, यहाँ पर इस जगह पे ऐसे लेकर आने, इसको मैंने ऐसे निकाला बाहर की तरफ, इसको मैंने निकाला ऊपर की तरफ, यहाँ ऐसे, ठीक है, ये चीज़, ये चीज़, ठीक है, ये देखो अब ये शेप बनेगी हमारी, ये एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ शेप, ठीक है, इसको हमने, इस पॉइंट को मैं डिलीट करता हूँ, ये वाले को, इस वाले पॉइंट को मैंने डिलीट कर दिया, ओके हो गया, इसको यहाँ से पकड़ा, इस पॉइंट को मैं ऊपर ले गया यहाँ ऐसे, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे आ गई और ये हल्की सी यहाँ पर आ गई, इसको मैंने हल्का सा बाहर निकाल दिया, ये चीज़, अब उसी तरह से मैंने क्या करना है, ये वाली तुम्हारी आ गई यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से ओके हो गई, अब इसको मैंने पकड़ा दोबारा से हिलेक्स अराउंड कर और ये कर पकड़ा, वही वैल्यू हम इस पर, अब यहाँ पे कर हमारा छोटा हो गया, तो हमने जो टर्न बढ़ाए थे ना 20, अब हम उसको 18 कर देते हैं एंटर, क्योंकि कर छोटा हो गया हमारा, 0.5 एंटर, फिर राइट क्लिक अराउंड कर, इसको मैंने बंद किया और ये किया, ठीक है, अब ये देखो ये दोबारा ऐसे इसके साथ, अब हमने फिर वही चीज़ देखनी कि यार ये हमारे जो कर्व है ना ये आमने सामने होना चाहिए, ये नहीं कि हमारे कहीं के कहीं जा, ये ऐसे ये चीज़, ठीक है, इसको दोबारा से हम ये सॉलिड 5.75, ठीक है, ओके, देखिए अगर ज़्यादा आपको लगे कि यार नहीं ज़्यादा हो रहा है तो आप कंट्रोल जी करो दोबारा से, और दोबारा से कर में जाओ, रिलैक्स पकड़ो, अराउंड कर पकड़ो, ये पकड़ो 15 कर, 0.5 कर, हाँ जी ये अराउंड कर, फिर ये राइट में लिख, और वही वाले 15, वो 15 मैंने कर, इसको मैंने ये वैल्यू इधर लिख देते हैं, नहीं इधर नहीं आएगी तो हमारी इस तरह जाएगी, ये इधर, इधर भी सही नहीं आ रही तो ये हमारा ये इधर आए, नहीं आ रही सही नहीं है, नहीं वो देखना कि एक सर हो जाएगी हमारी वैल्यू, हमने वैल्यू लेके जानी है दूसरी साइड को, स्केप कर देते हैं, राउंड कर, ये हिलेक्स, इसको राइट क्लिक, ये चीज़ है, ठीक है, इसको हमने सॉलिड में जाके पाइप कर दिया, ये देखो आगे लेकिन थोड़ी सी खुली हो गई, हम पाइप मोटा कर देना 0.8 पाइप मोटा कर दिया मैंने, ठीक है, ये मैंने डिलीट कर दिया, उसके बाद मैंने इसको किया ग्रुप, ग्रुप करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे ना इसके साथ हल्का सा इसको 1D कर दूंगा, ये चीज़ हल्का सा मैंने 1D किया, खोल दिया इसको मैंने, इसको हल्का इसको भी मैंने खोल देना है यहाँ से, ये चीज़ ये वो इसके अंदर मर्ज हो गई, वो इसके अंदर मर्ज हो गई, इसको डिलीट कर दिया, इन दोनों को मैंने पकड़ा, ग्रुप किया और इधर मिरर कर, इधर मिरर किया, ठीक है, इधर हो गए मिरर मेरे, ठीक है, इसको अनग्रुप कर दिया, अब देखिए ये मैंने मिरर किया, ठीक है, ये इधर आ गया, अब मैंने क्या करना है, यहाँ से इसको ट्रांसफॉर्म में जाके बैंड करना है, हल्का सा बैंड कर दिया ताकि ये इसके साथ इधर आ जाए, ठीक है, राइनोसरी ऑन नहीं है वरना ये इधर आ जाता, ठीक है, अब मैंने इसको और इसको पकड़ा और यहाँ से मैंने इसको मिरर कर दिया, ठीक है, ये मेरा मिरर हो गया, इसको मैंने इसके अंदर ऐसे मर्ज कर दिया, इसको डिलीट करके दोबारा राइनोसरी खोल के मिरर कर दिया, इसको भी डिलीट हो गया, इसको मिरर किया ऐसे, अब मैं जब इसको इधर करूँगा वो ऑटोमेटिक जाएगा, इसको मैं इधर करूँगा वो ऑटोमेटिक इधर आएगा, आ गया इस तरह से, ये मर गया मेरी टंडी, ठीक है, ये हमारा ये थे आ गया हमारा, ओके हो गया, अब हमने ये रखा, ठीक है, इसको पकड़ा, इसको हमने उधर मिरर कर दिया, ये हमारी हो गई, लेकिन एक काम हम और करेंगे, इसको हम मजीद इसके अंदर मर्ज करेंगे ऐसे, इसको नहीं इसको शेयर करना था मैं करते हैं, ये हाँ ठीक है, ये देखो हमारी यहाँ पे हमने इसको मर्ज कर दिया, और ये वाला पीस जो हमारा इसके अंदर ऊपर से भी नहीं करेंगे थोड़ा सा कहाँ पे यहाँ से गैप वो गैप जो वो कोई मसला नहीं है, इसको गैप आपको लग रहा ना हल्का सा, तो इसको हम यहाँ से पकड़ के ना अब जाएंगे ट्रांसफॉर्म में केज एडिट की कमांड, केज एडिट पकड़ा, बाउंडिंग बॉक्स,
सी प्लेन, पॉइंट्स यहाँ पे चार 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 ही रहने। अगर आपने बढ़ाने हो तो यहाँ पे राइट, यहाँ पे क्लिक करके पॉइंट बढ़ा लेना, लेकिन मुझे अभी ज़रूरत फिलहाल नहीं है। नहीं मैं कह रहा हूँ पिक्चर में ये स्पेस कम। कौन सी पिक्चर में? ये हमने सिर्फ पिक्चर को नहीं देखना, हमने अपनी चीज़ को देखना कि हमारी चीज़ कहाँ खूबसूरत लग रही है, हमने पिक्चर को नहीं फॉलो करना। ये पिक्चर ये देखिए कम ही है, ये देखो ये कम है स्पेस, ज़्यादा नहीं है। राइट क्लिक किया शायद वो उस वजह से आपको लग रही होगी, लेकिन पिक्चर में ये हमारी स्पेस कम ही है। ये मैं आपको दिखाता हूँ ये कितनी कम है। इसको मैंने पकड़ा और कर्वो को अनसेलेक्ट किया, इसको मैंने पकड़ के ऊपर कर दिया ऐसे, यहाँ इसके अंदर मर्ज हो गया हमारे। ठीक है अब ये देखो ये मर्ज हुआ तुमने, मर्ज हुआ। सो स्केप करा, अब बॉक्स को मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है अब दूसरी तरफ भी ये मर्ज हो गया और इधर भी मर्ज हो गया हमारा पीछे। ठीक है ये देखो हमारा पीछे यहाँ पर सारे ये मर्ज हो गए और ये हमारा काम मुकम्मल हो गया। ये अंगूठी हमारी मुकम्मल हो गई, रेडी हो गई। अब इसको अगर आप काटना चाहो तो काट भी सकते हो, रखना चाहो तो ऐसे रख भी सकते हो। वो कैसे, मैं कर्व डिलीट कर रहा हूँ, दोबारा से मैंने ये कर्व सेलेक्ट किया और इसको मैंने ये ले आया। ठीक है अब मैंने क्या करना है, इस कर्व को मैंने हल्का सा ऑफसाइड कर्व करना है। ठीक है ऑफसाइड, ये ऑफसाइड कर्व करेंगे 0.5। ठीक है ओके हो गया और यहाँ से मैं इसको बंद कर देता हूँ। ये कर्व आ गया मेरे पास, ये कर्व आ गया 0.5 का, इसको मैंने लिया। ठीक है और इसको मैंने यहाँ से सॉलिड में जाना है, ये देख ये वाला पाइप। ठीक है एक्सट्रूड कर्व स्ट्रेट, इसको लिया और ये इस तरफ जा रहा है, मैंने बोथ साइड करना है। बोथ साइड नो, यस करा कि बोथ साइड आ गया। ठीक है इसको मैंने ये वाला कलर दे दिया, ये वाला। अब मैंने इसको 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 सेलेक्ट किया, इसको और इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल बी दबाया बुलियन, फिर इसको पकड़ा और राइट क्लिक कर दिया। अब देखते हैं कि ये करता है या नहीं करता, अब हमने इसे थोड़ा सा वेट करना है, जहाँ कोई डिफरेंस करता है या नहीं करता, मुमकिन है कर दे। अगर कुछ मिशेल वगैरह होंगे या कोई प्रॉब्लम होगी तो ये नहीं करेगा, फिर हमें इसको मैनुअल काटना दूसरे जैसे काटना पड़ेगा। जब तक ये काट नहीं रहा हमें यहाँ पे वेट ही करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि काफ़ी फाइल हैवी है तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम दे रहा है। ये देखो ये डिफरेंस हो गया, अंदर से उसने इसको काट दिया ताकि जिस वक्त ये अंगूठी पहनी जाए यहाँ पे तो ये हमारे उंगली पे लगे ना इसके। ठीक है हमारी उंगली ये अभी भी लगेगी नहीं हमारी, तो ये हमारा इसने काट दिया, ये हमारी अंगूठी भी मुकम्मल रेडी हो गई। अब हमने इसको क्या करना है, इसको पकड़ा, इसको एक कलर दे दिया ये वाला और इसको ग्रुप कर दिया। ठीक है ये वाला और ये ग्रुप कर दिया हमने, ये यहाँ पे हमने ये हमारा और ये हमारी अंगूठी रेडी ये हो गई। ठीक है इसको मैंने नगीना को हाइड किया, इसको मैंने पकड़ा और मैंने ग्रुप कर दिया। ग्रुप करने के बाद मैंने दोबारा से इसको कलर दे दिया। ठीक है अब हमारा ये चीज़ यहाँ पे आ गई। अब हमने क्या करना है, इसकी सपोर्टें रह गई, उसके लिए हम क्या करेंगे, पीस को अनसेलेक्ट करते हैं, इसको भी अनसेलेक्ट करते हैं और स्टोन्स बाकी को भी एक दफ़ा अनसेलेक्ट कर देते हैं ताकि स्टोन्स जो हमारे अनसेलेक्ट हो जाए। ठीक है ये वाले भी अनसेलेक्ट हो जाएंगे हमारे। ठीक है ये भी अनसेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है और ये बंद हो गया। ठीक है उसके बाद ये हो गया। अब हमने इसको सेलेक्ट किया और ग्रुप कर दिया। ठीक है अब मैं इसको डायरेक्ट फाइल को ना मैश में कन्वर्ट कर दूँगा। कैसे बड़ा, ये फाइल पकड़ी, ये है मैश, इस पर गए, ये मैश फ्रॉम यूवीएम। ठीक है नर्व ऑब्जेक्ट, इस पर क्लिक किया, अब वो पूछ रहा है ओके, मैं कहता हूँ जस्ट ओके। मैं बताता हूँ हमने डायरेक्ट एसटीएल नहीं बनाई, हमने डायरेक्ट यहाँ पे उसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है ये आ गया, लगता है ये वाला नगीना हमारा अनग्रुप नहीं हुआ था, ये वाला हाँ ये अनग्रुप नहीं हुआ था, ये अनग्रुप नहीं था हमारा नगीना, अब हुआ। तो अब इसको पकड़ा हमने, ग्रुप किया और प्राइम उसकी बंद की, मैश मैश फ्रॉम नर्व और ओके। इसके अंदर बहुत सी कमांड है जिसको आप एस टी एल को 3DM में कन्वर्ट कर सकते हो, 3DM को एस टी एल में कन्वर्ट कर सकते हो। ये आ गई, ठीक है मेरे पास। अब ये दो आ गई यहाँ पे, एक को मैंने सेलेक्ट किया और इसमें बंद कर दिया, ये देखो ये आ गई एस टी एल, इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैंने ग्रुप कर दिया, अब मैंने बैक किया इसको। ठीक है अब यहाँ पे मैंने क्लिक करने के बाद बी दबाया, ये आ गई बेल्सपोर्ट। बेल्सपोर्ट याद है ना, वो जो उधर आप लगाते हैं, जो मैजिक्स में लगाते हैं, वो इसमें मैंने लगा दी। ठीक है अब यहाँ 0.3, अब ये यहाँ पे वैल्यू आएगी ही हाफ। पहले स्पोर्ट आपको बताऊंगा क्या होती है, स्पोर्टें लगाते हैं पहले उसमें ऊपर जाके वो मैं कन्वर्ट करना है। आप ऐसे कन्वर्ट कर लो या एसटीएल बना के इंपोर्ट कर लो, आपकी मर्जी। ठीक है पहले फाइल बनानी, पहले फाइल भाई वैसी बात, फाइल बनेगी तो वो कन्वर्ट होगी ना। अब हमने बेल स्पोर्ट लगानी, अब यहाँ 0.3 लिखा ना तो ये 0.6 आई, 0.25 लिखा तो 0.55 लिखनी, यहाँ पे हाफ वैल्यू है, डबल नहीं लिखनी आपने। ये एक यहाँ लगा दी, ठीक है एक हमने यहाँ पर लगा दी, हालांकि मर्ज है लेकिन फिर भी एहतियातन मिस कहीं से हो ना जाए, हमने इसको यहाँ लगा दिया। ठीक है ये यहाँ पर ऐसे लगाया, फिर एक यहाँ लगा दिया, ओके हो गया।
उसके बाद ये यहाँ पर ऐसे लगा दिया हमने, ठीक है। ये यहाँ पे बाकी हमारी जो चीज़ें हैं देख लेते हैं मर्ज हैं, बाकी हमें ज़रूरत नहीं है वो ऑलरेडी मर जाए इसके अंदर, लेकिन फिर भी एक स्पोर्ट यहाँ पे हम दे देंगे इस जगह पे ताकि यहाँ पे मजबूती रहे कि इसके साथ टूटे ना यहाँ, ठीक है। ये और ये चीज़ समझ आई। अब मैंने इस पर करना है राइट क्लिक, कंट्रोल दबा के इसको अन करना है अनसेलेक्ट, और यहाँ पे मिरर करना है वो इधर आ गई। अब इस पर राइट क्लिक किया, अब कंट्रोल दबा के इसको और इसको अनसेलेक्ट किया, अब इस तरफ मिरर कर दिया, ओके हो गया। फाइल मैंने डिलीट कर दी, ओरिजिनल फाइल निकाल ली, स्पोर्टें ऑटोमेटिक उधर ही आ गई, समझ आई। अब इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैंने ग्रुप किया और ये वाला कलर दे दिया, ठीक है। ये मैंने अब इसको मैंने यहाँ से ये खोला, मशीन व्यू किया, ये देखो ये मेरी, और एफ सेवन जी जी बेटा कहाँ से बोला, ये जो आपने मैश किया और उसके बाद आपने, मैं आपको समझा देता हूँ मैश मैंने क्या, मैंने मैश क्यों किया मैं आपको भी बताता हूँ। एफ सेवन दबाया तो पीछे की बार हमारी खत्म हो जाएगी, हमने इसको लिया यहाँ पर, ठीक है। ये हम यहाँ पर ऐसे लिया इसको, यहाँ पर इसको पिक्चर को मैंने यहाँ लिया इस जगह पर, ठीक है। ये चीज़ ऐसे यहाँ पर ले आया, इसकी पिक्चर मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, ये हमारे काम आएगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने रेंडरिंग करनी है, ठीक है। एफ सेवन दबाया दोबारा से मैंने, अब मैंने खोला रेंडर, ये है रेंडर व्यू, ठीक है। रेंडरिंग इस पर क्लिक किया, यहाँ बाहर आ जाएगी। अब सबसे पहले हमने इसके पीछे प्लान एक सरफेस बना ली है, उसके लिए हमने ये देखिए ये लिखा है, ठीक है, क्रिएट ग्राउंड प्लेन, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पीछे सरफेस दे देंगे। अब आपने कन्फ्यूज रहना सरफेस कहाँ, जब भी आपने करनी है इसको सरफेस ये बनाएगा, जब भी क्लिक करोगे लेकिन सरफेस देगा वाइट लेयर के अंदर यहाँ पे आएगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको तो लेयर को चेंज करना है आप, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, लेयर को चेंज करना है, लेयर को आपने चेंज कर देना ताकि आपकी कन्फ्यूजन आपको ना हो उसमें, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ दोबारा कर देता हूँ ताकि आपकी कन्फ्यूजन ना हो सके किसी भी किस्म की। रेंडरिंग दोबारा खोली हमने, ग्राउंड प्लेस आ गया। अब ये वाला इसको वाइट को बंद कर दिया, ये हमारे पास यहाँ पे आ गया, ओके हो गया। अब आपने ये लिया, ठीक है, इसका एक व्यू ऐसे रखा, इसको पहले करते हैं ग्रुप, और इसको एक ग्रुप कर लिया, इसको मैंने निकाला डुप्लीकेट, डुप्लीकेट निकाल के मैं इधर ले आया इसको, ठीक है। ये मैं इधर ले आया, इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे कर दिया, ये चीज़ ये इस डायरेक्शन में आ गई मेरी, और ये मेरी इस डायरेक्शन में, ठीक है, ओके हो गया। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले राइट क्लिक किया, पूरा ग्रीन वाला सेलेक्ट हो गया। अब मैंने ये येलो कलर, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ ले आया ऊपर के बजाय, इसको यहाँ ले आता बाहर की साइड, ठीक है। ये अब यहाँ पे मैंने कलर देना है, कोई सा भी गोल्डन कलर देना है, ये सिलेक्ट कर लें, ये कर लें जो आपको अच्छा लगे, ये मैंने प्ले कर दिया, ठीक है। अब हमारे स्टोन्स की बारी है, स्टोन्स की बारी, पहले इस पर क्लिक किया राइट क्लिक, ठीक है, और ये है स्टोन, इस पर क्लिक किया। उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे नीचे, यहाँ जाए कोई सा भी जो हमें रिक्वायर्ड हो, जो अच्छा लगे, ज़रूरी नहीं है, कन्फर्म नहीं है कि यही करना है, जो अच्छा लगे, ठीक है। ये मैंने लिया, इसके बाद मैंने इसको ये कलर दे, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लिक किया, फिर मैंने ये वाला कलर दे दिया इसको और ये कर दिया। अब आगे सरफेस की बारी, सरफेस पे क्लिक किया, सरफेस सेलेक्ट, राइट क्लिक करके अब यहाँ जाएंगे, यहाँ पे ये वाला, ये देखिए ये सरफेस को कलर दे दो, अब ये दे दो, यहाँ से जाके दे दो, जो आपको अच्छा लगे वो आप सरफेस को कलर दे सकते हो, वो आपकी मर्जी, ठीक है। यहाँ से चले जाओ, यहाँ चले जाओ, पहले मैं सेव स्मॉल कर दूँ ताकि सेव हो जाएगा, सेव स्मॉल, ये हमारी सेव हो गई, ठीक है। यहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, जो आपको सरफेस अच्छी लगे वो आपने सरफेस पकड़नी है और उसको आपने कलर दे दो, ये दे दो, ये दे लो, ये दे लो, वाइट कलर कर लो, जो भी आपको अच्छी लगे, जो आप कहते हो यार नहीं ये चीज़ नहीं, ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए, ये इसको इधर ले आओ, इसको इसको इधर ले जाते हैं, इसको कलर को थोड़ा सा इधर ले आते हैं, इस कलर को थोड़ा सा इधर ले आते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस पर क्लिक करते हैं, ये यहाँ पे कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, ये हो रहा है, मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ, ये वाला कलर सेलेक्ट, ठीक है। ये कलर सेलेक्ट किया, यहाँ से प्ले लाजमी कर दिया, ये प्ले कर दिया। अब यहाँ पे हमें थोड़ी सी वैल्यू चेंज करनी है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखें 640 मल्टीप्लाई बाय 480, हमने यहाँ पर लिखना 1920 बाय 1000, वो पूरा एच डी व्यू में आपको रेंडरिंग करके देगा, तो हम इसको करेंगे 1000, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे 1920 बाय 1000, और यहाँ ये है रेंडरिंग, रेंडरिंग एक्टिव, इसमें मैं जस्ट क्लिक करूंगा, ये रेंडरिंग स्टार्ट कर रहा है। ये कौन सा बेटा तक, ये देख, ये इसलिए किए कि इसने इसको एक लुक देना शुरू कर दी, रेंडरिंग की शेप उसने इसको देना शुरू कर दी, ठीक
ठीक है, समझ आइए कि मैंने क्या किया है, क्यों किया। अब देखो वो उसको रेंडरिंग कर रहा है एच डी व्यू में, उसको रेंडर करके आपको दे देगा। इस पर इसको मैं बेशक यहाँ ले जाता हूँ ताकि आपको नजर आ जाए, समझ आइए कि कैसे वो रेंडरिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, किस तरह से कर रहा है, ये देख, समझ आइए सारी रेंडरिंग वगैरह कर रहा है। इसको पकड़ के आप बेशक इधर ले जाओ, इसको आप उठा के इधर यहाँ पे आ गया, 3D उसको शेप देना शुरू कर दी उसने। अब इसको यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है, इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ, कोई मसला नहीं है, और बाद में उसको ले आऊँगा। ये हमारा ये देखो शेप देना शुरू कर दिया। अब जैसे ही रेंडरिंग कंप्लीट होगी फिर हम उसको आगे का प्रोसीजर देंगे, तब तक हम इसको यहाँ फिलहाल रोक लेते हैं। तो अब देखो नगीने वगैरह मैंने हाइड कर दी है, अब हमने क्या करना है, इसकी STL बनानी है और फाइल को फिक्स करना है। ये सिलेक्ट किया मैंने, ठीक है, ग्रुप किया, फाइल में गए, एक्सपोर्ट सेलेक्टेड, एक्सपोर्ट सेलेक्टेड, बाहर जाएगी फाइल हमारी। अब यहाँ पे लिखा हुआ राइनो 3D, राइनो 5 3D मॉडल, इस पर क्लिक किया, यहाँ देखा STL कहाँ है, ये रही STL, डेस्कटॉप पे क्लिक किया और कोई भी नाम दे दो, जैसे रिंग, ये रिंग का नाम दे दिया और एंटर मार दिया और ये ओके कर दिया। अब ये आपने जस्ट ओके करना है, कुछ नहीं, कोई चीज़ चीज़ छेड़नी इसको, जैसे आपने ओके करते रहना, अभी हो रहा है, अभी हो रहा है ना, जब भी हो जाएगा ये ओके हो गया, ठीक है, अब ये आ गया हमारे यहाँ, ओके हो गया, ठीक है। अब यहाँ से मिनिमाइज करा इसको, अब यहाँ से ये देख, इस पे डबल क्लिक किया, ठीक है, डबल क्लिक करने के बाद हमारी Magix 20 में फाइल जो है ओपन हो रही है, ठीक है, ठीक है भाई, उसको मैंने सेलेक्ट ही उसमें कर दिया, उसका सॉफ्टवेयर मेरे पास हुआ है बाय डिफॉल्ट STL का, STL में करेंगे पहले ही खुलेगी, बिल्कुल बिल्कुल, अभी आ गया। अब सबसे पहले हमने इसे करना है ट्रायंगल हल्के, उसके लिए हम करेंगे Ctrl-T, ठीक है, Ctrl-T साइड के ऊपर वाला चार दो ट्रायंगल के नीचे जो ट्रायंगल है वो और ठीक है, Ctrl-T, हां Ctrl, अब करेंगे Shift-F, Shift-F फिल्टर शार्प, फिल्टर शार्प, जो वाटने का काम होता नहीं, वाटने का और रबो का ये काफी हैवी हो जाता है, इसको हल्का करने के लिए फिल्टर शार्प मारते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब हम करेंगे Ctrl-F, Ctrl-F के लिए फिक्सिंग की फाइल शॉर्टकट। अब यहाँ डायग्नोसिस में जाके अपडेट करेंगे, देखेंगे एरर कहाँ कहाँ पे, एरर कहीं पे नहीं है, जस्ट शेल के अंदर एरर है। हम डायरेक्ट शेल में जाएंगे, सिलेक्ट ऑल करेंगे और यूनिफाई करेंगे इसको, ठीक है, अब ये यूनिफाई हो रहा है यहाँ, ठीक है, ये यूनिफाई हो रहा है, ये यूनिफाई हो रहा है, ये सारा यूनिफाई हो गया, इसके अंदर जो एरर थे उसने निकाल दिए, सारे एरर आ गए। अब वो पहला वाला सिलेक्ट करना है हमने, इसको इन्वर्ट करना है, इसको डिलीट शेल करना है, वेट भी इधर शो होता है, बता रहा हूँ ना, डिलीट शेल हो गया, ठीक है। अब ये अब कोई एरर इसके अंदर नहीं है, डिलीट क्यों किया हमने, ये एरर है ना वो निकाल दिया ना हमने, इसलिए डिलीट, उसने जो डिलीट किया ना वो मैंने एरर किया। अब देखो मैंने फाइल जब किया, अब देखो जैसे मैंने, हाँ जी, अब जैसे मैंने अपडेट किया तो कोई भी एरर नहीं, शेल में था वो भी निकल गया। अब शेल में गई, यहाँ देखो वॉल्यूम 488 वॉल्यूम। अब यहाँ हम कैलकुलेटर खोलते हैं, CAL कैलकुलेटर आ गया, हाँ जी। अब हम यहाँ लिखेंगे 0.00125 मल्टीप्लाई बाय 488, ये मेरे पास आ गया मोम का वजन, RP का वजन आ गया, कितना हमारे जो वॉल्यूम इस टाइम 488 है, ये लिखा हुआ है, वॉल्यूम हमने करना है 0.00125, ठीक है, मल्टीप्लाई 488, ठीक है, तो हमारे पास ये मोम का वजन, ये जो आरपी का वेट ये आ गया, अब ये 610 मिली आरपी का वजन आ गया। इसको हम मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 14 से, तो ये हमारे पास सोने का वजन आ गया 8 ग्राम 540, इस तरह से इसका वजन मुकम्मल रिंग का वेट आ गया, ठीक है। बाकी 100, हां बेटा ये हर दफा ऐसे ही करना है, 0.00125 और उसको जो उसको वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई कर, और ये स्टार्टिंग कैसे है, इसको 0.00125 मल्टीप्लाई बाय 488, ये आ गया मोम का वजन। अब इसी को जरब कर दो दोबारा 14 से, ये 14 कुलिया सोने का, अच्छा 14 हर बार करनी, 14 से या 13.5 से, 14 या 13.5, ठीक है, इसको ये आ गया 8 ग्राम 540। एक और चीज बता देता हूँ, अब देखो यहाँ मैं वैल्यू लिखता हूँ 0.0175, ठीक है, 0.0175 मल्टीप्लाई बाय 488, तो डायरेक्ट सोने का वजन निकला, मोम का वजन नहीं निकला, डायरेक्ट सोने का, ये मतलब डायरेक्ट सोने का आ गया, ऐसा डायरेक्ट सोने, वही वैल्यू बताइए 8 ग्राम 540, इसमें पहले मोम का आया था बाद में सोने का आया था, ऐसे डायरेक्ट सोने का, अल्लाह आपका भला करे, ठीक है। इसको मिनिमाइज किया, क्रॉस किया, कंट्रोल एस कर दिया यहाँ पे हमने, ठीक है। अब वो पूछ रहा है सेव, हम कहते हैं ये रेडी हो गई। अब ये फाइल जो फिक्स हुई हुई थी ना, ये उसके ऊपर
रिप्लेस हो गई जो फाइल फिक्स नहीं थी, इसको मैंने यहाँ से क्रॉस कर दिया। अब वो पूछ रहा है यस और नो, हमने यहाँ पे नो ही करना है, यस नहीं करना। वो ये इसलिए पूछता है कि जब हमारी फाइल खुली थी तो वो इस डायरेक्शन में थी, अब वो इस डायरेक्शन में है, तो वो कह रहा है इस डायरेक्शन में सेव करनी है कि वहीं पर रहने दो, हम इसको नो ही करते हैं, ज़रूरत नहीं, नो। ठीक है, ये नो कर दिया। तो ये थी हमारी क्लास और ये था हमारा आज का लेक्चर, ये थी हमारी आज की अंगूठी जो मैंने बना ली आप लोगों के सामने, आपको बना के भी दिखा दी। कोई सवाल इसके मुतालिक तो पूछ सकते हैं, तो ज़ेहन में है कोई पूछना, छोटे छोटे पॉइंट है जो आस्ते आस्ते समझ, जो समझ रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है, क्योंकि आज तो पहला दिन है, कुछ याद रहने है, कुछ नहीं याद रहने। मैं वही बता रहा हूँ, इसमें कोई चीज नहीं लंबी छोटी नहीं, सब आपको पॉइंट समझने की, प्रैक्टिस करेंगे तो याद आएगा, अल्लाह आपका बता। ठीक है, ठीक है, चल ओके। अब आपको मैं दे देता हूँ सारे लेक्चर की, अब आपने ही बना के दिखानी है मुझे, आपने भी बना, कुछ भी बना, टूटी फूटी बना ली, लेकिन बनानी है, ट्राई करोगे, प्रैक्टिस में तीन दफा होगी लेकिन बना लोगे। ठीक है, चलो ठीक है, ये हमारा काम मुकम्मल हुआ, इसको मैं यहाँ से रोक के